इसमें आइकन तो है बट सभी तरह का आइकन इसमें अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप एक चीज देखो यहाँ पर जितने भी इन्होंने आइकन्स बनाए तो उसके दो मोड बनाए, एक आउटलाइन दूसरा फिल। तो जैसे क्या होता है कि मान लो कि अगर मैंने आउटलाइन बोर्ड पर नहीं लगाया, अगर यूजर माउस ओवर करे तो फिल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हर एक आइकन में सेट बना के रखा है इस तरह से। तो बात ये चल रही है कि आइकन जब भी आप लगाएं तो एक जैसे ही दिखने वाले हो, ऐसा ना हो कि किसी का थिकनेस स्ट्रोक का ज़्यादा हो किसी का कम हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखोगे फॉन्ट ऑसम इज वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी फॉन्ट ऑसम। अगर आपको इसका पेड वर्जन मिल जाता है या ऑर्गेनाइजेशन का पेड यूज़ करें तो इसके पास से कोई भी आइकन नहीं बचता। अगर हम यहाँ डॉक्स में आते हैं, वैसे शायद जब लोग एचटीएमएल करते हैं मैंने आपको इंटीग्रेट करना भी सिखाया था इसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। तो आप देख रहे हो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं सभी जगह पर ये एप्लीकेबल है। सोर्स जो आइकन्स हैं जो उनके टोटल ओवरऑल वर्जन्स के अंदर है वो आपके 2000 समथिंग का आइकन्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ अगर देखें एक इनका आता है ऑल के नाम से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे समझ में आ गई ना, वो पेड वाले हैं और जितने अपने इस तरह के ये सब अपने फ्री वाले हैं। तो बहुत सारे आइकन्स जो इनके इसमें हमें यहाँ पर फ्री मिलने चाहिए वो इन्होंने प्रो में कन्वर्ट कर लिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसके लोअर वर्जन को यूज़ कर लेते हैं। लोअर वर्जन के अंदर हमारा काम चल जाता था। आपने सभी आइकन्स की लाइब्रेरी ओपन करके रखनी है और वहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा एक आता है फैदर आइकन, इसका भी आपको प्लग इन मिल जाएगा, एक आपका ऑप्ट आइकन्स के नाम से मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं डिफॉल्ट आइकन्स आपको मिल रहा है या फिर 12 पिक्सल्स के, जैसे आपको बहुत छोटे छोटे पेपर चाहिए होते तो हर तरीके के इसमें आपको मिल जाएंगे। इन्होंने अपने आप पहले बताया था कि मैक्सिमम इनके पास 96 पिक्सल्स का आइकन अवेलेबल है, 48, 24, 16 एंड 12। तो 16 तो अपना स्टैंडर्ड साइज होता है जो हम तीनों डिवाइस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी जैसे मैंने बताया हमेशा ना उसके डबल में चलता है, जैसे 12 है, 12 का सीधे 24, 24 का सीधे 48, 48 का 96। तो ये 1:1 ही रहेगा, आइकन का साइज जो मर्जी हो, कोई भी चीज़ पहले कंप्लीट हो विड्थ या हाइट, ठीक है ना, उसके बेसिस पर। जैसे लाइन है तो हाइट तो उसकी 48 नहीं हो पाएगी, 24 नहीं होगी, तो विड्थ इसकी 24 होगी। जैसे ये है तो ये 1:1 में जा सकता है। तो काफ़ी सारे आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं और इनको आप यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से जैसे मान लो हमने कोई आइकन लिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉपी एसवीजी, डाउनलोड एसवीजी, डाउनलोड पीडीएफ। तो अगर आप फिग्मा एक्सजी में अगर कहीं पर कुछ यूज़ कर रहे हो तो सीधे कॉपी करा कर यूज़ कर सकते हो, और इसका कलर वगैरह सारी चीज़ आप ईजिली हैंडल कर पाओगे। जैसे मैं कॉपी किया, फिग्मा ओपन कर लिया, यहाँ पर ला कर पेस्ट कर दिया, तो ये देखो जिस साइज़ का था ये आइकन उसी साइज़ का ऑटोमेटिकली यहाँ पर अवेलेबल। अब जरा आइकन फैमिली सर्च कर लेते हैं। फैमिली कीवर्ड समझ लिया तो फैमिली वाले इसमें बना के ले जाएंगे। आइकन में जाओ, यहाँ से सर्च करो सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये होती है फैमिली, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं पूरा एक ग्रुप। तो इसमें जितने भी आइकन आपको मिलेंगे वो एक जैसे मिलेंगे, एक थिकनेस के मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक ये अवेलेबल है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें नीचे मिल जाएगा। अब आपके पास चॉइस है आउटलाइन, यहाँ से लीनियर या
फिर फिल या फिर हैंड ड्रॉ। तो जैसा क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो हमारे स्क्रबल वाले होते हैं ना आइकन्स, उस तरह के मिलेंगे आपको। और ये अगर आप यहाँ से चूज करते हैं आउटलाइन, तो आपको आउटलाइन मोड वाला आइकन मिलेगा। तो जैसा हम देखो सोशल मीडिया के, जैसे ये वाला आइकन है, ये वाला आइकन है, इनकी थिकनेस आप देखो ध्यान से, तो ये कम या ज़्यादा ना दिखे जो हमारा इधर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखना, नहीं तो ना डिज़ाइन देखने में अच्छा नहीं लगता। फिर हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया था कि आप अगर फॉलो करके क्लोज वगैरह का सिंबल अगर लगा रहे हैं तो इसके साइज। प्लास्टिक चेयर है यहाँ पर और एक आपकी नॉर्मल चेयर है, ठीक है, इस तरह के जैसे एर्गोनॉमिक्स चेयर के नाम से मैं इसको मेंशन किया हूँ। अब इसमें बेनिफिट्स क्या मिले, यहाँ पर यूज़र को एक जैसे एक्सपीरियंस मिलने वाला है, यानी कि वो बैठ सकता है, ना तो उसकी बैक फ्लेक्सिबल होगी, ना इसकी वो हाइट को एडजस्ट कर सकता है, ना इसमें लंबर सपोर्ट है, किसी तरह का इसके अंदर सपोर्ट नहीं, ना इसके अंदर मोबिलिटी है। यानी कि अगर आपको चेयर का डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेयर से उठना पड़ेगा या फिर हल्का सा लिफ्ट अप करके फिर चेयर को रोटेट करना पड़ेगा। बट इसी के कंपैरेटिवली अगर हम लोग इस चेयर के ऊपर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप अपना हेडरेस्ट, आप अपना लंबर सपोर्ट, ठीक है, आपका बैक प्रॉपर वेंटिलेटेड है, आप इसमें स्ट्रेच नहीं करोगे, आप अपने चेयर की फ्लेक्सीबिलिटी बैक की प्लस उसकी हाइट प्लस मोबिलिटी सारे काम कर पा रहे हैं, हम चेयर से बिना उठे ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके डिज़ाइन के अंदर यूजबिलिटी। या ये भी चेयर है, ये भी चेयर है, ये एक ऑर्डिनरी चेयर है और ये चेयर है जिसके अंदर फुल फंक्शनैलिटी आपकी अवेलेबल है। अब आप ये सोचो कि 9 आवर्स की वर्किंग का अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपको चेयर के अंदर इस तरह का दे दिया जाए, ठीक है, और एक चेयर आपका इस तरह, तो कम्फर्ट किस में ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर ये देखो जो पीछे में लंबा सपोर्ट की बात कर, इसका बेनिफिट क्या है कि भाई सभी का बैक पोस्चर एक जैसा नहीं होता, ठीक है, या सभी का जो हेड की पोजीशन होगी वो सेम नहीं होगी। देखते हैं जो कार के अंदर जो हमारे हेड जो होते हैं, हेडरेस्ट होता है, एडजस्टेबल होता है ना। या जैसे आप सलून वगैरह जाते हो, जब आप हेयर कट वगैरह लेते हो तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपका हेडरेस्ट जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, हर पर्सन की हाइट डिफरेंट डिफरेंट है। जिस पर्सन की हाइट 5 फीट के अप्रॉक्स होगी तो उसका हेडरेस्ट उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसका 6+ होगा उसकी अलग सेट करनी पड़ेगी, है ना, इस सारी चीज। नेक्स्ट कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, तो एक डिज़ाइन है हमारा जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है और एक डिज़ाइन है हमारा जो कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब कंट्रास्ट अगर देखा जाए दोनों के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ कंपोनेंट्स बने हैं, ये पूरा एक फाइनल डिज़ाइन नहीं है, ये कोई एक कंपोनेंट्स अगर हमने पर प्लेस किए। अब इस डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में आप डिफरेंस देखो कि क्लैरिटी किसके अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी, कौन सी बात है, हमें इस वाले के अंदर ज़्यादा मिलेगी क्योंकि ब्लू कलर के ऊपर वाइट कलर अच्छे से विजिबल होता है हमारा। अब जो हमारी नेविगेशन है उसकी प्लेसमेंट आप देखोगे यहाँ पर तो एक प्रॉपर जगह पर है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इसके अंदर छोटा सा, जो ये रेफरेंस लगा हुआ है कि अगर हमारा ये पार्ट या तो पूरा प्रॉपर इसके अकॉर्डिंग वर्टिकली मिडिल में हो या फिर हमारे ये इसके यहाँ पर हो। अब यहाँ पर अगर बटन को देखें या इस पार्ट को देखें, ये पार्ट एकदम ओके, बट इसके कंपैरेटिवली लेफ्ट और राइट के मार्जिन पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पैडिंग का ना थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई डिज़ाइन अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर पैडिंग वेडिंग सब प्रॉपर तरीके से हो। अब जैसे ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सब कुछ डाली हुई है एक ट्रेडिशनल वेबसाइट्स के अंदर जो होती है, लेकिन प्लेसमेंट का बहुत बड़ा इशू है हर एक चीज़ के अंदर। आगे चलो और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो यूआई तक की जो जर्नी हमारी कंप्लीट हुई ना, वो 3 चीजों पर बेस्ड है, सीएलआई, ठीक है, एमडी यूआई एंड जीयूआई, 3 चीजें आती हैं, ठीक है। हम जिस एरा में हैं उस
इसको हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि अगर आज की डेट में किसी भी डिवाइस का अगर एक इंटरफेस ना हो जहाँ से लोग उसको कंट्रोल कर सकते, जैसे आजकल देखो सीलिंग फैन जो आ गए और रिमोट कंट्रोल आ गए VLDC फैन, तो उसमें क्या है कि भाई फैन को आपने किस स्पीड पर ऑपरेट करना है तो वो सारे कंट्रोल क्या है रिमोट के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि अगर घर के अंदर कोई सीनियर सिटीजन है वो बार बार उठ के जाके अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए कम्फर्ट आ गया उसके अंदर, है ना। उसी तरह से जैसे अगर हम लोग सबसे पहले का टाइम देखते हैं जब हमारा कंप्यूटर सिर्फ डॉस होता था, यानी कि हम लोग CMD बेस्ड कंप्यूटर चलाया करते थे इस तरह से। अब इसमें से आप में से कुछ लोग हो सकता है कि चलाना जानते हो क्योंकि स्कूल कॉलेज में या डॉस वगैरह सिखा दिया जाता था। किसने सीखा था स्कूल नहीं नहीं क्या ऐसा होता है स्कूल से करके उसमें कराया हुआ ठीक है, बट इसमें ना हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। इसमें आप उतना ही कर सकते हो जितना आपको सिखाया जाए। सीधी सी बात है कि अगर आपके सामने एक कीबोर्ड अवेलेबल है, कीबोर्ड के ऊपर 16 कंट्रोल्स अवेलेबल है, तो आपको अगर दो बटन चलाने सिखा देंगे तो आप 3-4 बटन खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया MDUI का एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। बट इसमें सिर्फ वही कर पाओगे जितना आपको सिखा दिया जाए। ये है कमांड लाइन इंटरफेस। इसके साथ हर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता, इसको वही कर पाएगा जिसको कमांड सारे पता होंगे काम करेंगे, है ना। आपका ATM मशीन होता है, हम लोग ATM पर जाते हैं, कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं वहाँ से, या हम लोग बैलेंस वगैरह की इंक्वायरी कर लेते हैं, या फिर कुछ ऑर्डर करना और चेकबुक वगैरह वो सारे काम हम लोग ATM मशीन से कर डालते हैं। तो ATM मशीन क्या हुआ, MDUI, मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस। यानी कि अगर आप लोग वहाँ पर देखोगे, वैसे कुछ हर एक बैंक में थोड़े थोड़े अलग अलग फंक्शनैलिटी, किसी में आपका कैश विड्रॉल जो है वो लेफ्ट दिया, किसी में राइट दिया, बट ज़्यादातर अगर आप देखोगे राइट साइड पर आपको जब कार्ड इंसर्ट करते हो कैश विड्रॉल का राइट साइड पर मिलेगा, जहाँ पर आपको अकाउंट सिलेक्शन आता है करंट या सेविंग अकाउंट, है ना, विड्रॉल करते हो ना ATM से। तो मेन्यू ड्रिवन यूजर इंटरफेस में क्या है कि सारे ऑप्शन सामने हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपने जाना है, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाना है और आपका काम हो जाएगा। अब कंप्यूटर के अंदर CLI के बाद सीधा है GUI, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब मान लो कि आप घर पे कंप्यूटर चला रहे हो, आपने ऑन कर लिया बटन दबा के, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, बूट हो गया, अब आपको चलाना नहीं है तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेसिस पर कि भाई लेफ्ट बॉटम में देखो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, तो आप फाइंड को हाँ दिख रहा है, तो पूरा गाइड किया जा सकता है GUI के अंदर। लेकिन CLI में क्या होगा कि जब तक आपको प्रॉपर स्पेलिंग ना पता हो किस तरह से उसके अंदर हमें ऑपरेटर लगा के अंदर एंटर करना है किसी फोल्डर के अंदर, तब तक आप नहीं चला सकते। तो यूज़र जो आज के कंफर्टेबल है वो किसके साथ है, GUI। तो जब आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो या कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंस्ट्रक्शन इतना क्लियर हो कि यूज़र को चीज़ें ढूंढना ना पड़े। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया हुआ है कि भाई उसकी वेबसाइट पर अगर कोई आता है किसी भी पेज पर अगर आप देखते हैं तो यूज़र के लिए उसने बहुत क्लियर बनाया कि लॉगिन करना है ना, तो यहाँ से ये तो हो गया इनका नया इंटरफेस। अगर हम लोग पुराने इंटरफेस में जाते हैं तो पूरे इस ब्लू बार में अगर आप देखो तो वाइट कलर से लॉगिन ITHE अलग से बनाया हुआ, ठीक है। या अगर हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना, तो उसका कलर उन्होंने बिल्कुल अलग डिफाइन किया, ठीक है। अब जैसे ये जो प्रोडक्ट है ये आपका डिलीवरेबल नहीं है, तो हम किसी डिफरेंट प्रोडक्ट को बढ़ जाते हैं, जैसे हमें ये वाला चूज़ किया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल बिल्कुल अलग से अवेलेबल, ठीक है। कोशिश ये रखना है कि लॉगिन जो कि हमारा एक एक्शन बटन है या बाय नाउ जो हमारा एक और एक्शन बटन है, इनके कलर कभी भी मैच ना हो। कई बार आप जो डिज़ाइन बना लेते हैं, मैं कहता हूँ एक स्क्रीन में, ठीक है, वन गो में दो एक्शन बटन एक जैसे नहीं होने चाहिए, मतलब जब मैं पेज को स्क्रॉल करूँ तो दूसरी जगह पर वो कलर चल सकता है, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पर इसका भी कलर इसका कलर थीम से लोगों से मैच करने के चक्कर में दोनों को सेम बना दे, वो नहीं करना कभी, ठीक है, वो गलत हो जाएगा आपका। हाँ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट रखो, लेकिन कभी भी दो देखो सीधी सी बात है, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई दो आपके सामने कंट्रोल है, दोनों का कलर सेम है, एक येस और एक नो है, ठीक है, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है यूजर के लिए चूज करने के लिए ना। अब जैसे आपने एक डायलॉग बॉक्स बनाया जिसमें यूजर के पास चॉइस है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, यस पे भी वही कलर, नो पे भी वही कलर,
पढ़ के डिसीजन ले रहा है, कलर से डिसीजन नहीं ले रहा है। और कलर ऐसा होना चाहिए कि जो आपको ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्ट हो, जैसे आपने बुक से पढ़ा उसमें क्या होता है वार्निंग प्राइमरी सेकेंडरी हर चीज़ का अलग अलग कलर अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि कलर से आप यूजर को बहुत ईजिली डिसीजन मेक करा सकते, राइट कलर का होना बहुत जरूरी है। जैसे चैट करते हो व्हाट्सएप में, तो जब आप चैट मैसेज टाइप करें तो सबमिट करने का बटन क्या है, ग्रीन या ब्लू? ग्रीन होता है ना। अब आप कहोगे भाई वो ग्रीन तो व्हाट्सएप की थीम है इसलिए वैसा बनाया, नहीं उन्होंने बनाया ही इसलिए कि भैया तुमने मैसेज लिख लिया यहाँ से सबमिट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यूजेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको लगाने का मतलब ये है कि भाई देखो यूजेबिलिटी दोनों के अंदर है, लेकिन यूजेबिलिटी के साथ इस वाले डिज़ाइन में क्या है पोर्टेबिलिटी, इस डिज़ाइन में पोर्टेबिलिटी तो है नहीं भाई। आप जो लैपटॉप पे काम करो वो सारा काम डेस्कटॉप पर कर सकते हो, बट आप इसको कैरी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस के साथ जुड़ी हुई है। बट यहाँ पर क्या है एक ही स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर सेलफोन टैबलेट और ये जो लगा रखा है लैपटॉप, इसका पर्पज़ क्या है कि भाई इनमें से जितने भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो सारे क्या है यूजेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी के बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि आप इसको ईजी टू कैरी कर सकते हो, इसके अंदर अपना पावर बैकअप है, इसको एकदम से किसी सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है चार्ज करने के लिए, 3-4 घंटे का बैकअप जनरली डिवाइस के अंदर अपना रहता है, जैसे टैबलेट का भी पूरा डेटा होता है, मोबाइल फोन भी ऑलमोस्ट पर एक काम कर जाता है। सो रूल्स ऑफ UX डिजाइनर सर्च करते हैं कि व्हाट डज UX डिजाइनर डू। सो पहली चीज क्या है, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जब आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है कि वो अपने उस प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। बस सीधी सी बात है, मार्केट में वही चीज़ मिलती है जिसके थ्रू आप कुछ सोल्यूशन दे रहे हो, बस सीधी सी बात है। अलग अलग ब्रांड अलग अलग सेलफोन लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया एक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। अब सेलफोन हम लोग क्यों खरीदते हैं भाई, कॉल करना तो मेन प्रायोरिटी हो गया ना, मेजर रोल तो ये होगा कॉलिंग, उसके अलावा उसके अंदर जो फीचर्स दे रहे हैं कि भाई एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ऐसा कोई साइट सीन जरूर करेगा जहाँ पर उसको अपनी मेमोरी को कैप्चर करना चाहेगा, तो एक अच्छा कैमरा भी चाहिए, जब वो मेमोरीज कैप्चर कर रहे हैं तो एक फ़ोन में स्टोरेज भी होना चाहिए, जब वो ये सब प्रोसेस कर रहा होगा तो फ़ोन फास्ट काम करना चाहिए तो उसके लिए एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना रैम इतना है प्रोसेसर ये हमारा, समझ रहे हो सारी चीज़ें। तो ये देखो कभी भी ना सीधे मेन वो मत सोचो कि क्लाइंट ने क्या बोला, उसको कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को घर में पनीर लबावदार खाना है फॉर एग्जांपल, तो ये थोड़ा कि पनीर लिया और मेरा काम हो गया, पनीर के लिए प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी। तो वही सेम चीज़ है कि आपने एक जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझा तो उसको फुलफिल कराने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आने वाली है। भाई सीधी सी बात है, एक ई कॉमर्स क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहते हैं मेरे को एक ऐसी वेबसाइट बनानी जिसमें 100+ प्रोडक्ट्स हैं और मुझे वहाँ से सेल करना है अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो खाली वेबसाइट बना देना आपका काम नहीं है, आपको उसको साथ में ये भी बताना पड़ेगा किस तरह के सर्वर की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। क्योंकि पता चला वो कहता है भी मैं 1 लाख रुपये वेबसाइट पे खर्च करूँगा उसके बाद मैं 1 लाख रुपये का सर्वर भी खरीदूँ, क्यों खरीदूँ? अब तुमने अगर स्क्यू का जवाब नहीं दिया तो वो ले लेगा जाके एक सस्ती वाली पोस्टिंग, और उसमें क्या होगा वेबसाइट तो चल गई लेकिन जैसे यूज़र आएगा, जैसे देखते हो ड्यू का हाल जब रिजल्ट आउट होता है तो वही हाल हो जाएगा उस वेबसाइट का, तो यानी कि यहाँ पर गालियाँ कौन खाएगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं बोलेगा कि मैंने क्या किया भाई मेरी वेबसाइट ख़राब बना के, तो काम किसका ख़राब हुआ UX डिज़ाइनर का भाई। पर अगर आप उसको पूरा काउंसलिंग कर दोगे कि भाई अगर आप इतने प्रोडक्ट्स की वेबसाइट चला रहे हो और कभी मान लो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और आपके पास ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा ट्रैफिक बनता है, तो आपका जो सर्वर होगा वो उस ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो समझ रहे हो। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट के साथ सपोर्ट क्या लगेगा वो भी आप बताना, आपका ही काम। इसके लिए क्या होता है कि भाई आप या तो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ सीख जाते हो या फिर कंपनी के अंदर आपके DBMS आर्किटेक्ट जो होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट जो करते हैं ना वो लोग अवेलेबल होते हैं, वो लोग गाइड करते हैं उस चीज़ के लिए। तो जैसे पहला पार्ट क्या आ गया हमारे इसके अंदर रिसर्च, तो भाई पहले आप एक रिसर्च कर लो कि भाई जिसके लिए भी आप काम करने जा रहे हो तो उसके कॉम्पिटिटर मार्केट में कौन कौन है। देखो 95% आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर जिस पे भी आप काम करने जाओ ना तो सोचोगे कि ये मेरा यूनिक आइडिया है, क्वालिटी कोई ना कोई बैठा होगा। आज की डेट में आपको काम वाली बाई ढूंढनी है ना वो भी ऑनलाइन अवेलेबल,
आपको अगर पूजा घर में कराएं तो पंडित भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसा कोई काम नहीं बचा जो तुम सोचो कि भाई वो ऑनलाइन नहीं होगा। मैं ऐसा लेकिन 100% नहीं कह रहा हूँ, 1% मैं कह रहा हूँ कि आपका आइडिया यूनिक हो सकता है, आपका बिजनेस मॉडल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 99% ऑनलाइन सोल्यूशन हर चीज़ के आ चुके हैं। हर बंदे ने ढूंढ ढूंढ के निकाला हुआ। जैसे एक देखते हो आज के डेट में पोर्टर वाटर का आप लोग नाम सुनते हैं, तो पोर्टर जैसी चीज़ें ये रिफाइंड प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा बच्चा था इधर कोहाट का ही था, जिसने बनाया था एक वेबसाइट मेरा टास्क कर दिया, उसने वेबसाइट बनाई। उसमें क्या था कि भाई उस बच्चे को वो चाहिए था कि भाई स्कूल चला गया और उसका बुक्स घर छोड़ गए, तो उसने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के निकाला कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पर हम लोग राइडर को बोलें कि वो हमारा जो पैकेज है वो डिलीवर कर दे। अब उस केस में बच्चों क्या था कि भाई या तो घर जाना पड़ता, उसने अपने फादर को स्कूल से अर्जेंट में कॉल करवाया, देन उसके फादर ने वो चीज़ डिलीवर की, तो उसको वो प्रॉब्लम दिखाई दी कि भाई ऐसा कुछ सॉल्यूशन है नहीं। तो फिर आप देखते हो डंजो जैसे फेमस हुआ, डंजो का भी काम यही है ना। यूज़ किया डंजो का भी, पोर्टर यूज़ कराओ, पोर्टर यूज़ कर रखा है ना। तो इसी तरह से ना बहुत सारी आज की डेट में जैसे ऊबर का भी अपना खुद का अवेलेबल है, पेंडेमिक के टाइम में उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को बढ़ा दिया। ओला का भी स्टार्ट हो गया, रैपिडो ने भी स्टार्ट कर दिया है, इनड्राइव ने भी स्टार्ट कर दिया। इन सभी ने अपने साथ साथ, क्योंकि इनके बाइकर्स तो घूमते रहते हैं राइडर्स मार्केट में, तो अगर तुम्हें सवारी मिल रही है ठीक है, नहीं तो तुम अपना दूसरा काम करते हो, मतलब पार्सल आप डिलीवर कराते हो। तो उसको उन्होंने पैकेज बना रखे हैं, बाइक के ऊपर हम लोग 25 kg तक का डिलीवर करेंगे, उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो कुछ और व्हीकल लगेगा, इस तरह के मॉडल्स बन चुके हैं। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे पहला जो इंडिया में आया वो है अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स। मान लो कि आप किराए पर नहीं रहते हो या फिर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में स्विच करना है, तो अग्रवाल पैकर मूवर ने आपसे कम से कम 17-18 साल पहले ही कंपनी बना के खड़ी कर दी थी। सोचो उस बंदे का आइडिया था कि भाई एक बंदे की सारी टेंशन क्या है कि भाई आनंद फानंद में घर का सारा सामान पैक करना और पैक करके उसको सेफली नहीं पहुँचाना। भाई मान लो कि आप आईटी के अंदर जॉब कर रहे हो, आप गुड़गांव के अंदर हो, आपको अच्छा पैकेज लग गया बैंगलोर के अंदर, अभी या तो बैंकिंग की जॉब हो, बैंक की जॉब में क्या होता है कि भाई आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो बैंक वाले कहते हैं भाई कोई सामान लेके नहीं जाना, हम आपको 2 lakh rupees दे रहे, सारा जाकर नया सामान खरीद लो, वही कहते हैं उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है, तो फटाफट से आकर रिपोर्ट करो नए ऑफिस को, ठीक है। अब हम जैसे आईटी वगैरह फील्ड के अंदर लोग जो होते हैं, पता चला कि हम तो 80-90 हज़ार का फ्रिज खरीद के बैठे हैं, तो उसको तुम छोड़ के थोड़ी ना जाओगे, तुम क्या करना चाहोगे वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो देखते हो जैसे आज के दिन गाड़ियाँ जो चल रही हैं, तो आप गाड़ियाँ उसके ऊपर लदी हुई जा रही हैं, बाइक्स उसके ऊपर जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी। तो इस तरह के मॉडल को बनाया अग्रवाल पैकर ने, कि सामान तो आपका डिलीवर कर ही देंगे, साथ में आपका व्हीकल भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहीं भी जहाँ भी आप कराना चाहो। और ये इससे पहले कैसे होता था, इससे पहले हम लोग ट्रेन के थ्रू करते थे कि हम सारा सामान पैक कराया और जाके हमने रेलवे स्टेशन पर गया, रेलवे स्टेशन पर होता था कार्गो, उसमें लोड किया, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। लेकिन उसमें क्या था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था भाई। मालगाड़ी जो होती है वो ऐसा तो नहीं कि यहाँ से फटाक से सीधे तुम्हें बैंगलोर पहुँचा देंगे, समझ भाई रुकते रुकाते जाती है, क्योंकि भाई पैसेंजर ट्रेन को पहले प्रिविलेज मिलता है, उसके बाद में कार्गो को मिलता है। जैसे जैसे ट्रैक क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे कार्गो आगे बढ़ता जाएगा। बट रोड वाला जो सिस्टम बना उससे क्या हुआ कि आप यहाँ से फ्लाइट पकड़ के पहुँचो, रात रात आपका सामान या फिर 1 से 2 दिन के अंदर आपका सामान डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा, इवन आपके घर में सारा अनपैक करके सेट करके जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस पैसा खर्चो तुम्हारा सा। तो ये क्या है, अगेन एक यूज़र एक्सपीरियंस। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ के ऊपर आइडिएशन कर रहे हो तो रिसर्च बहुत डीप डाइव करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि काम वाली भाई का भी अवेलेबल है, क्योंकि मैं सब चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ, तो केस स्टडीज ऐसी बनती है। दूसरा आता है फिर पर्सोना। पर्सोना रियल भी हो सकता है, पर्सोना फिक्शन भी हो सकता है, मतलब कि आपका एक अपना खुद का इमेजिन करेक्टर है और उसके ऊपर आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो। जैसे जनरली मेट्रो सिटीज़ के अंदर, अब ये सिर्फ हम बात करेंगे इस मॉडल की, जो हमारा ये फूड वाला डिलीवरी वाला सिस्टम है ये सिर्फ दिल्ली NCR में है, ठीक है, या फिर जितनी बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर। माइक्रो लेवल पर, tier 3 लेवल पर, जैसे हम लोग जो है वो tier 1 में है दिल्ली के अंदर अगर हैं, जैसे अगर नोएडा में जाते हैं तो tier 2 आता है, और इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो वो tier 3 होता है, tier 1 tier 2 tier 3। tier 3 में अभी भी इस तरह के मॉडल्स नहीं हैं, जैसे कि आप ब्लिंकिट करते हो दिल्ली NCR में कहीं भी करते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि हापुड़ के आगे जाकर डिलीवरी हो जाएगी तो वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने आलसी नहीं है, ये कह लो कि भाई इतने बोलो उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बंदा
बंदा आके उनके घर में सामान पहुँचाएगा, 15 रुपये का एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज पे करके, 5 रुपये का एक बैगेज चार्ज, उनके लिए तो भाई साहब दुनिया बदल जाएगी भाई साहब, 20 रुपये एक्स्ट्रा किस बात की। तो ये सारी चीज़ें, तो इसी वजह से ना अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग बिजनेस मॉडल बनते हैं, ठीक है। और बिजनेस मॉडल अगर आपने गलत जगह के लिए प्लान कर लिया कि भाई मेरा आइडिया है कि भाई मैं अपने गाँव में ऐसा कोई सिस्टम बनाऊंगा, भाई गाँव वाले तो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेते हैं, वो कहते भाई 10 किलोमीटर जाना पैदल जाएंगे, छोड़, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल एक ऐसा समझो कि एक कोई फेमस कार कंपनी है जो एग्जांपल के लिए इंडियन मार्केट में एंटर करना चाह रही है, जैसे कि लाइक फरारी। तो फरारी का आज तक शोरूम देखा आपने इंडिया में? नहीं यार, फरारी को पता है क्योंकि मेरी गाड़ी को खरीदने वाले बहुत ही सेलेक्टेड लोग, तो वो क्या करते हैं कि भाई उन्होंने इंडिया में मार्केट तो कर दिया अपना, भाई उसका नाम ही इतना फेमस है, ना तो उनका कोई ऐड आता है, ना ही कोई न्यूज़पेपर ऐड मिलेगा, ना ही उनका कोई टीवी सी मिलेगा आपको, ठीक है। या लंबागनी का अगर आप देखो तो उसका भी कभी आपको कोई एडवर्टीजमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका नेम ऑलरेडी उस सेगमेंट में इतना फेमस है कि लोग नाम से खरीद लेते हैं। तो इंडिया में कहते हैं ये गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती हैं सीधे। अब जैसे ऑडी, वीएम, मर्सिडीज, पोर्शे, ये सब गाड़ियाँ क्या है, इनके तो मार्केट काफ़ी बड़ी हो चुकी है इंडिया में, मतलब जो एक बिजनेस क्लास पर्सन है वो ये गाड़ियाँ खरीद ही रहा है। तो इन्होंने क्या करा, इसके लिए शोरूम बना दिया। अगर आपको कुछ और एडिशनल चाहिए जो यहाँ के शोरूम में अवेलेबल नहीं है, इंडियन सेगमेंट के हिसाब से हमने नहीं बनाया, तो वो आप इम्पोर्ट करा लो, कस्टमाइज करा लो, सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे जब आप 1 करोड़ से ऊपर के सेगमेंट में जाते हो तो आप गाड़ी का एक एक पार्ट अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, ठीक है। जैसे रेंज रोवर के अंदर अगर आप जाओगे तो उसमें हर एक पार्ट कस्टमाइजेबल है, मुझे क्या चाहिए, क्या हटवाना है, क्या लगवाना है, पूरा आप अपने हिसाब से बनाओ। जैसे रॉयल इनफील्ड ने भी देखा होगा अगर आपने, उन्होंने क्या करा अपनी वेबसाइट के अंदर कि आप जाओ आपको गाड़ी अपनी किस तरह से बिल्ड करनी है पूरा कस्टमाइज करना है, ये नहीं कि जो शोरूम से बन के आ रही वैसा मुझे चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा बजट है पूरी कस्टमाइज कर डालो पहले से, पहले आपकी गाड़ी उस हिसाब से बन के आ रही। तो कस्टमाइजेशन यानी कि टेलर मेड सोल्यूशन आज के डेट में अवेलेबल है। तो ये एक्सप्लोर कैसे हुआ, भाई देखो सीधी सी बात है, आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा एक ज़माने से ऑर्डर कर रहे हो, ऐसा नहीं पिछले 2-3 साल में खाना स्टार्ट किया होगा, तो क्या कस्टमाइजेशन उनके पास आ जाएगा, बहुत पहले से था मेरे ख्याल से, जब से आप लोग ऑर्डर करो तब से उनके पास कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। देखो जब तक यूज़र को आप ऐसा कुछ मॉडल नहीं दोगे जहाँ पर उसके पास ऑप्शन हो, ठीक है, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूज़र चाहता क्या है। तो जब ऑप्शंस होते हैं ना तो डेफिनेटली यूज़र स्विच करना चाहता है, भाई आपके पास 2 जॉब की चॉइस होंगी, 1 में 30 है 1 में 35 है, तो आप सीधी सी बात है 35 की तरफ भागना पसंद करोगे। लेकिन अगर आप एनालिसिस करो तो फिर आप ये रिसर्च करोगे भाई 5 जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्या मुझे उसका बेनिफिट है या नहीं है, पता चला उन 5 के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा है और मेरा उससे ज़्यादा आने जाने में काम हो जा रहा है, ठीक है। तो एक हो गया कि भाई जो छोटा बंदा होता है वो कॉस्ट की तरफ भागता है, भाई कॉस्ट काउंट करेगा हर चीज़ की, एक समझदार बंदा जो होगा वो दूसरा सिनेरियो ढूंढ के निकालेगा कि भाई उस चीज़ का मुझे लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ का बच्चे को अगर बोलो गुड़गांव चले जाओ, अरे सर 2 घंटे तो जाने में लग जाएंगे, 2 घंटे में आने में लग जाएंगे, लेकिन आप ये सोचो कि आपके पोर्टफोलियो में एक गुड़गांव की इंडस्ट्री का नाम जुड़ा, वो आपके लिए एक बेंचमार्क बना, यानी कि एक माइलस्टोन आपने सेट कर दिया कि भाई मेरे इस पोर्टफोलियो मैंने इस ब्रांड के साथ काम किया हुआ, तो आगे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी उसके बेसिस पर ही मिलेंगी। इसको ऐसा समझो कि आज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन 30,000 की जॉब कर रहे हो, तो नई कंपनी जब आप जाओगे तो पुराने सैलरी पैकेज पे बात जरूर आएगी कि भाई लास्ट मंथ कंपनी की 3 मंथ की सैलरी स्लिप दे दो, आपका जो अप्रेजल लगेगा या जो भी आपको हाइक लगेगा 30%, 20%, 10% वो उसके बेसिस पर लगेगा, वाला टाइम चलेगा भी आप चीज़ें बोलो जी मेरी तो 1 लाख थी, प्रूफ दिखाओ, कहोगे जी मेरी कंपनी में सैलरी स्लिप नहीं मिलती, तो कहते 1 लाख थी तो ITR तो भरते ही होंगे, वो दे दो, तुम फंस गए, अब उसको फेक तो बना नहीं पाओगे तुम। तो इसलिए क्लियर रखना है अपने आप को, सीधी सी बात है, आप बोलो सर मेरी 30,000 है लेकिन अब इसकी डेट में मेरी जो वर्थ है वो 60,000 की है, जो टास्क कराना है करा लो लेकिन मैं इससे कम में काम नहीं करूँगा। तो जब काम में दम होगा तो तुम 30 कमा रहे हो 20 कमा रहे हो, आगे बढ़ने में अपने दम पर जब चलोगे तो अलग मजा आएगा। तो पहला क्या हुआ, रिसर्च किसी भी टॉपिक के ऊपर, जॉब पे भी जा रहे हो उस पर भी रिसर्च करके जाओ, क्योंकि कंपनी पूछती है भैया क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा काम क्यों खराब करना चाहते हो ये बताओ, पूछा होगा आप लोगों से जब इंटरव्यू के लिए गए होंगे, है ना। तो पहली चीज़ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो पहले ये देखो क्या आपकी निश का वहाँ पर काम है या नहीं है, पता चला उनका काम जो है कुछ डिफरेंट है।
है, पता चला वो तुमसे कुछ और चीज़ें बनवा रहे हैं, वो डिज़ाइनिंग वाला काम वैसा ना हो, लेकिन है उनके टर्म में वो UI UX। तो वो चीज़ों के बारे में पढ़ो कि वो किसके साथ डील करते हैं, क्या क्लाइंट्स हैं, कब से मार्केट के अंदर हैं, क्या उनके रिव्यूज़ हैं, सारी चीज़ें। दूसरा आता है फिर हमारा पर्सोना, जो कि मैंने बोला रियल भी हो सकता है, फिक्शनल भी हो सकता है, यानी कि आप अपने हिसाब से इमेजिन करके भी बना सकते हो। फिर आता है आइडिएशन। आइडिएशन में देख रहे हो क्या है, दो तीन लोग बना रखे हैं, यानी कि जब कोई आइडिया हम लोग किसी चीज़ के लिए बिल्ड करते हैं तो आइडिया अकेले आप प्लान कर जरूर सकते हो, लेकिन एक अच्छा आइडिया जो होता है वो डिस्कशन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ आता है, इंडिविजुअली उतना बढ़िया आइडिया आप नहीं बना पाओगे। मैं सीधी सी बात है, हम सब आज के लिए UI UX पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग भी तो वैसे ही काम करेगा ना। वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि हम सभी लोगों को एक टास्क मिल जाएगा और सभी लोग अपने एक आइडिया के साथ वापस से ग्रुप मीटिंग करेंगे भी किसके पास क्या क्या आइडियाज हैं, ठीक है। तो फिर उन आइडियाज के ऊपर कुछ और पॉइंट्स आपके एक्सट्रैक्ट होंगे जिसके बेसिस पर फिर लोग कंटेंट की स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। तो ये फ्लो है। अब कंटेंट स्ट्रेटजी एंड IA, IA स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है, कि भाई कहाँ से स्टार्ट होगा जर्नी और क्या क्या चीज़ हम लोग देंगे और यूजर कहाँ से होते हुए एग्जिट करेगा किसी भी वेबसाइट से या प्रोजेक्ट से। तो अगर ये वाला पार्ट आपका ठीक होगा तो फिर आप यूजर को काफ़ी देर के लिए होल्ड कर पाओगे अपनी वेबसाइट पर। अगर आपका आइडिएशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है, और आपने कोई ऐसी उल्टा सीधा वेबसाइट बना के किसी को देख के, तो वेबसाइट तो बन के तैयार हो जाएगी लेकिन आप यूजर को रिटेन नहीं कर पाओगे। आएगा तो चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। तो कंटेंट स्ट्रेटजी बहुत मैटर करता है। फिर इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप, जो आपने फ्लो डिज़ाइन किया उसके बाद जब आप यूज़र को इस डिज़ाइन के ऊपर लेके आ रहे हो तो आपका कितना इंटरेक्टिव है। जैसे इंटरेक्टिव से हमारा मतलब ये है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट चलाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि हर कैटेगरी में एक तो ड्रॉप डाउन है, तो जहाँ पर यूज़र कुछ माउस लेके जाए और कुछ हो जाए, कुछ एक्शन हो वहाँ पर, दैट इज़ इंटरेक्टिविटी। या जैसे क्राउजल देखते हो हम लोग नेक्स्ट या प्रीवियस कर पा रहे हैं, वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिविटी, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग की बात करी है या आफ्टर प्रोटोटाइपिंग जो हम लोग उसका एक्सटर्नलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि JS जो होती है हमारी वेबसाइट को स्लो बनाती है। तो इंटरेक्टिविटी लगाइए ज़रूर, लेकिन आपको बहुत ये ध्यान रखना है कि उसका आउटपुट बहुत हैवी ना हो, ठीक है। पता चला तुम्हें फिल्मा के अंदर देख देख कर ट्यूटोरियल इधर उधर से कुछ बढ़िया सा बना दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, क्लाइंट भी भाई से खुश हो गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स तुमने बताए नहीं कि क्या होंगे। अब वेबसाइट हमारी बनने के बाद में बढ़िया भी लग रही है, डेवलपर ने बना के भी दे दी, अब बेचारा ऐसी वाला सर पीट रहा है उसके अंदर कि भाई साहब मैं इसको रैंक कैसे करूँ। फिर वो आपको बोलता है जी इसमें से ये पार्ट निकाल दूँ, वो पार्ट निकाल दूँ। तो ये भी क्लाइंट अप्रूवल से पहले आप हिट एंड ट्रायल कर लेते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि JS कम से कम होनी चाहिए। यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कि भाई आपका जो डिज़ाइन है, एक जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपने कोई डिज़ाइन बनाया और मुझे लाके दिया और आप उसका मुझे बताते हो सर यहाँ से नेक्स्ट करना है, यहाँ पर मैंने क्लिक लगाया, ये किया, वो किया, और एक डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें आपने मुझे दे दिया सर आप चला के देखो क्या आप चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो। यूजेबिलिटी यानी कि जैसे एक हमने ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, एक नई कार हमने मार्केट में लॉन्च करी, उसके अंदर सो मेनी फीचर्स हैं, बट क्या वो फीचर्स ईजी टू अंडरस्टैंड है कि नहीं है। इसको ऐसा समझो जैसे कभी आपने घर में माइक्रोवेव खरीदा हो, कन्वेक्शन, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप उसके अंदर कुक भी कर सकते हो, सारी चीज़ें काम करा सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेज बना सकते हो, बट क्या हम कभी बना पाए या नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी टेस्टिंग ना तो
हमें कराई गई ना हमने की। केक बनाते हो या तो वो कुछ और हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, या कई बार ठीक ठाक बन भी जाता है कई अटेम्प्ट के बाद। तो कंपनी क्या चाहती है, आपके घर पर एक बंदा भेजती है जो आपके प्रोडक्ट का डेमो देगा, और जो डेमो देने आता है बेचारा वो खुद ही कन्फ्यूज होता है। क्योंकि भाई जब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे हम मान लो कि मैं आपको किसी प्रोडक्ट का डेमो दे रहा हूँ, तो कुछ हमें से इंटरेस्टेड है, कुछ हमें से नहीं है, तो क्या होगा यूज़र को, ना तो समझाने वाले को क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर पे एलजी से डेमो देने आया है एसी का, हाँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो उसमें फीचर्स क्या है कि जैसे कि उसके अंदर एयर प्योरीफायर हर एसी के अंदर फिल्टर होता है, मेरे में एडिशनल प्योरीफायर लगा हुआ है उसी के अंदर, तो 80,000 रुपये का जैसे सिलेंडर वो बना, उसके ऊपर कुछ डिवाइस लगा जो बेसिकली आयोन रिलीज करता है जब चलता है एसी, उसके अंदर ब्लू लाइट है इंफ्रारेड, ठीक है, ताकि अगर मच्छर वगैरह हो तो वो उसको वहीं पर ही अट्रैक्ट कर देता है, वहीं पर किल कर देता है, मॉस्किटो वाला फीचर उसके अंदर अवेलेबल है। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता लगाओगे तो बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, नहीं तो मॉस्किटो के लिए रिपेलेंट अलग से लगाओ, तो बहुत सारी चीज़ें, वाईफाई उसके अंदर लगा हुआ है, सारा टाइमर सेट कर दो, जैसे मैं सुबह 6 बजे मेरा एसी ऑटोमेटिक बंद और शाम को मैं 8 बजे घर में पहुँचता हूँ, 7 बजे से अपना चल के ऑटोमेटिकली कूल कर लेता है, मुझे कुछ नहीं करना है, घर से नेट से कनेक्टेड है सारी चीज़, मेरा पूरा घर ही स्मार्ट है, एक एक लाइट छोटी मोटी वॉशरूम तक की लाइट भी ऑटोमेटिकली, मुझे वैसा नहीं कि घर में घुसते ऑटोमेटिक सब, मतलब बिल्डिंग की जो एंट्री होती है वही पूरी ऑटोमेटिक, तो इस तरह से पूरा बिल्डिंग को स्मार्ट बना दिया। तो वो है यूज़र एक्सपीरियंस कि भाई किसी स्विच को ना तो ऑन करना है ना ऑफ करना है, क्योंकि नहीं तो क्या है कि भाई सबको आलस होता है कौन जाके ऑन करे कौन जाके ऑफ करे, खासकर पेंडेमिक के टाइम में ये मुझे आइडिया है कि भाई कोविड का कहीं वायरस ना हो स्विच के ऊपर, मैंने हटाओ सबको, तो सारा ऑटोमेटिक रिप्लेस। तो तब से हमारा बिल जो है पूरा सोसाइटी का वो भी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि भाई बल्ब उतनी 1 मिनट के लिए जलता है, आप वहाँ से निकल गए उसके बाद लाइट का क्या काम, ऑफ हो गई ऑटोमेटिक, तो आपका कंजप्शन घट गया काफ़ी। तो ये क्या हुआ यूजेबिलिटी। तो आप कोई भी चीज़ जो बना रहे हो लगा रहे हो तो उसका प्रॉपर एक टेस्टिंग आपका होना चाहिए कि क्या वो चीज़ एक्चुअल में कामयाब होगी या नहीं होगी। या जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं यूजेबिलिटी का, कि भाई जैसे हम सभी के घर में यहाँ का तो पता नहीं क्योंकि यहाँ दिल्ली में अलाउड नहीं है समोसे, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने अपने घर में छुपा हुआ लगा रखे हैं, ठीक है, दिल्ली में समोसे में ओपनली अलाउड नहीं है, ठीक है, पहले भी जो लगे हैं वो लगे कुछ ही जगह पर, नए जो बन रहे हैं जो हम लोग बोरिंग करके पानी लेते हैं, तो वो वहाँ पर भी है, लेकिन उसके लिए भी तुम डायरेक्ट ऑथराइज नहीं होते, बहुत परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर आगे पेनल्टी लग जाती है उस चीज़ के ऊपर, भाई ना पहुँचे बंदा अलग बात है, नहीं तो गवर्नमेंट ढूंढ के निकाल ही देता। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो मतलब कि आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है, अलाउड नहीं दिल्ली के अंदर बोरिंग अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ का वाटर लेवल ऑलरेडी नीचे जा चुका है। पहले क्या होता था ना, सब जो कंपनियाँ थी पेप्सी वगैरह स्टार्टिंग में थी, लेकिन फिर इनको सबको यहाँ से निकाल दिया गया, जैसे अभी आप देखो ना कि पटपड़गंज वाला जो एरिया, जब आप आनंद विहार क्रॉस करते हो पैसिफिक मॉल के जस्ट बराबर में बिस्लेरी का प्लांट है, उसको भी हटाने के लिए गवर्नमेंट डेली बड़ी भी हटाओ यहाँ से, क्योंकि पानी वहीं से निकालते हैं ना सारा, तो उस एरिया का वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा रहा है, और जब वो नीचे जाता फिर वो और बोरिंग करके नीचे गहरा कर देते हैं उसको, फिर पानी निकालते हैं, तो जितना वो बोर करते जाएंगे उतना वाटर लेवल वहाँ का नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जितनी आपकी पेप्सी वगैरह की कंपनी अगर आप देखो तो मथुरा रोड पर है, वो भी ऐसे एरिया में आइसोलेटेड जहाँ पर कोई वो नहीं है लोग, मतलब कोई रह नहीं रहे, कोई बस्ती है आबादी नहीं है वहाँ। तो यूजेबिलिटी समझ में आया या नहीं आया, यानी कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हो यूज़र उसको इजीली यूज़ कर पा रहे हैं, यानी ये आपका डिज़ाइन सिस्टम जो है वो कन्फ्यूजिंग है। तो मैंने आपको साइट और एप्लीकेशन के फॉर्म में समझा दिया और रियल वर्ल्ड में भी आपको समझा दिया कि हम कोई चीज़ जब लेते हैं, इवन दो कि आज के दिन अगर आप कोई स्मार्ट टीवी खरीद के लेकर आते हो तो इंस्टॉलेशन कर रहे जो बंदा आता है वही आपको डेमो भी देके जाता है उस चीज़ को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट टाइम जब आपने एप्पल डिवाइस चलाया होगा तो आपको यूजेबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, समझ नहीं आता, जैसे कि एक नॉर्मल नोटिफिकेशन जो उसके ऊपर ड्रॉप होता है तो वो क्या होता है ऊपर जाता है, एंड्रॉयड में लेफ्ट राइट स्वाइप करके हम लोग भगा देते हैं उसको, तो कई बार तो एप्पल वाला बंदा जो नया बंदा होता है वो यूज़र होता है। जैसे कल के एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे एक लोन में किसने एप्पल खरीदा अरीना में, तो ले तो लिया लेकिन समझ आ ही नहीं रही, ठीक है। या जैसे यहाँ पर क्या होता है एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से जाके बहुत ईजिली डाउनलोड हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है ऐप स्टोर पर जाओ, पहले अकाउंट का रिव्यू वगैरह होता है, उसके बाद में जाकर आप एक
ऐसा नहीं कि पहली बार में कोई बंदा गया बहुत स्मूथली एप्पल चला लेगा, बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह करने पड़ते। दूसरा नए एप्पल के अंदर टाइप कुछ करो वो करेक्ट करके कुछ और बना देता है उसका, तो जब आप लिखते हो वो होता सही है, सेंड करते कुछ और हो जाते, तो ये भी दिक्कत है। फिर कीबोर्ड को भी आपको कस्टमाइज करना पड़ता है उसका, बहुत सारे चेंजेस है। तो यूजेबिलिटी क्या है कि अब एक बंदा जो एप्पल चला रहा है उसको एप्पल से निकल के एंड्रॉयड चलाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो एप्पल का यूज टू हो चुका है। और ऐसे एंड्रॉयड वाला बंदा जो होता है वो एंड्रॉयड में इतना कम्फर्टेबल हो जाता है कि उसको एप्पल में माइग्रेट होने में कम से कम 2 हफ्ते भी लगते हैं, तब जाके वो ईजिली उसको समझ पाता है। हाँ, उसको अगर आप पूछोगे भाई कैसा लग रहा है तो वो अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि एप्पल चला रहा है। वो ये नहीं बोलेगा नहीं इसमें दिक्कत है भाई, जैसे तैसे उसका ड्रीम पूरा हुआ। पर हमने 6 चीज़ें मेजर मेजर मेंशन की, तो रिक्वायरमेंट्स, टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग, यूजर पर्सोना, सिनेरियोस, सिनेरियोस की स्टडी, केसेस, जर्नी, फ्लो एंड आस्क राइट क्वेश्चंस। जब किसी के लिए काम कर रहे हैं ना तो पहले सामने वाले की चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनो, उसके नोट्स जरूर बनाओ। ये नहीं कि जस्ट वो बोल रहा है और आप सुनते जा रहे हो, सकता है कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए, या फिर आप उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, जनरली हमारे यूआई यूएक्स में क्या होता है कि हमारी क्लाइंट मीटिंग वर्चुअल होती है, वर्चुअल मतलब कि जूम मीटिंग हो गया या गूगल मीट पर हो गया, तो उनको रिकॉर्ड जरूर करो ताकि आपके जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो कहीं ना कहीं आपको पता हो कि हमने क्या डिस्कशन किया। क्योंकि एक जो हमारे इस काम के अंदर होता था कि मैंने ये तो नहीं बोला था, तो लोग चेंज कर देते हैं अपनी बातों को, तो इसलिए क्या होता है उन सब का हम लोग क्या करते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बना देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, और फिर हम लोग उसको क्लाइंट को भेज देते हैं और क्लाइंट उसको फिर एक्नॉलेज करते हैं, हाँ ये चीज़ें हमने डिस्कस की इस मीटिंग के अंदर, इसी के ऊपर हमने आगे प्रोसीड करना है। तो पॉइंट्स आपके पास जरूर है, यानी कि बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। फिर आप अपने क्वेश्चंस उसके बेसिस पर प्रिपेयर करो भाई पहली मीटिंग में आपको सारे आइडियाज नहीं, क्योंकि आपको फ्रेशर, तो आपसे ये पूछो भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की डेमोग्राफी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, क्या वो टीयर 1 सिटी के लिए या टीयर 2 के लिए या टीयर 3 के लिए। टीयर 1 में वो लोग आ गए जो ऑलरेडी मिक्स चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, टीयर 3 में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन में नहीं है, अभी भी वो लोग कीपैड जैसे फ़ोन चला रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि उनके घर में कोई एक स्मार्टफोन अवेलेबल है तो क्या वो लोग उसको ईजिली हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखो, एक होता है नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जिसमें क्या कि हमने एक बार उसमें 3 ही मोड होते हैं, या तो लो या जब आप मिनिमम पर आते हो तो विंटर मोड होता है, या फिर सबसे नीचे जाओगे तो समर मोड होता है, ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत होती है ना। अब एक आता है ऐसा सैमसंग का कन्वर्टेबल जिसके पैनल पे ही सामने ना दुनिया जहान के फीचर कि आप फ्रीजर को स्टोरेज बना लो, स्टोरेज को आप ये चेंज कर लो, या फिर ऊपर वाला सेक्शन से बंद ही करना है। हाँ, तो वो सारे जो उसके अंदर कन्वर्टेबल है तो वो सारे उसके अंदर ऑप्शन उन्होंने दिए। प्लस जैसे एक लोगों के साथ बड़ी मुसीबत थी कि जैसे नॉर्मल जो फ्रिज होते हैं काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन उनका ना जैसे आजकल की कार्स के अंदर देखो तो क्लाइमेट कंट्रोल एसी आते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल में ड्यूल जोन भी आता है, सिंगल जोन भी आता है। सिंगल जोन में क्या है पूरी गाड़ी को एक जैसी सर्दी लगेगी, ड्यूल जोन में क्या होगा जो मेरे साथ में बैठ रहा है उसको उसके हिसाब से, मेरे को मेरे हिसाब से, है ना, एक ही जगह पर 2 तरह का आपको सिस्टम मिल जाएगा। ऐसे फ्रिज होता है, फ्रिज क्या होता है डायरेक्टली कूलिंग एक करता ही जाएगा ना, और एक होता है कि आपके फ्रिज के अंदर क्या रखे उसको सेंस करके उसके हिसाब से वो कूलिंग करता है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी बनी रहती है। तो फ्रिज के अंदर जैसे आप कोई चीज़ रख देते हो फूड वगैरह तो उसका ना फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, ड्राई सा फील होगा आपको। लेकिन आज के जो मॉडर्न फ्रिज हैं जो आप 30-40 हज़ार के रेंज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है उसके ऊपर, क्योंकि वो हर एक सेगमेंट में उसी हिसाब से कूलिंग ड्रॉप करता है जिसकी उस प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट है जो आपने उसके अंदर स्टोर की। ठीक है, तो डायरेक्ट कूल जो है वो खतरनाक होते हैं। डायरेक्ट कूल वाले उस चीज़ के लिए ठीक है क्योंकि चलो आपने कुछ लिक्विड बेवरेज आपने डाल दिया, दूध आपने रख दिया तो उसके लिए ठीक है। अब देखो एक ऊपर उसी के अंदर सिंगल डोर में एक फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है, और एक महीने तक अगर आप उसको ना खोलो या अगर जब आप अचानक से खोलते हो तो उसके अंदर पूरा हिमालय बना होता है। ठीक है, फिर उसको डिफ्रोस्ट करने में आपका दिन खराब हो जाता है कि बंद करके छोड़ो फिर वो पूरा निकलेगा, तो उसका रिप्लेसमेंट में क्या है डिफ्रोस्ट, यानी कि ऐसा फ्रोस्ट फ्री उन्होंने फ्रिज बना दिया जिसमें आपकी बर्फ तभी बनेगी जब आप उसके अंदर कुछ वाटर कंटेन करा के किसी कंटेनर में रखोगे, अदरवाइज कोई बर्फ उसके अंदर बनने का सिस्टम नहीं है। यानी कि आपके उस डिवाइस
के पास ये सेंस है कि मेरे अंदर कुछ इस तरह का आइटम अवेलेबल है जिसको मुझे वर्क में कन्वर्ट करना है, नहीं करना है। तो पैसा अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो फीचर भी तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। अब जैसे आप कार के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ड्यूल जोन, जहाँ क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है कि भाई एक बंदे को ज़्यादा गर्मी लग रही है, एक को कम लग रही है, तो उसके उसके हिसाब से मेरे को मेरे हिसाब से भी आ रहा है, सभी आने लगा आज की डेट में। तो आप मारुति की गाड़ी में भी अगर जाओगे ना, तो जब आप VXI ZXI में पहुँचते तो ये चीज़ आती है। VXI से ऊपर जब चलोगे ZXI में तो ड्यूल जोन आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। या जैसे हुंडई की गाड़ी में जाओगे, महिंद्रा में भी जाओगे, उसमें भी आ रहा है, सभी की आता है। अब जैसे एक नया फीचर आजकल स्टार्ट हो गया ना, वेंटिलेटेड सीट्स। भाई आगे से तो कूलिंग आ रही है, लेकिन शर्ट तो पीछे से भीग जाती है ना, बंदा थक जाता है। तो कुछ देख, तो बीट्स वाला वो लगाते हैं पीछे, भी थोड़ा सा बैक की मसाज होते रहे, एयर वेंटिलेट होता रहे। अब वेंटिलेटेड सीट्स आ गई, सर्दी लग रही तो हीटेड सीट्स, गर्मी लग रही तो आपकी एयर कूल्ड सीट्स होगी उसके अंदर, है ना। तो ये क्या है, यूजर एक्सपीरियंस। भाई लोगों ने फीडबैक दिया कि भाई आपकी गाड़ी के अंदर बैठने से जो लंबे टाइम तक चला रहे हो उनको प्रॉब्लम हो रही है, बैक स्टिफ हो जाती है। तो उसके अंदर मसाजर उन्होंने ऐड कर दिया उसी के अंदर, तो आपको बैक को रिलीफ मिल रहा है। खासकर जो कैब ड्राइवर होते हैं एग्जाम्पल के लिए, अब कैब ड्राइवर क्या करते हैं कि भाई वो सबसे सस्ती वाली गाड़ियाँ लेते हैं। अगर वो फीचर लोडेड गाड़ी ले, या अगर यहाँ के इंडियन मार्केट फीचर लोडेड गाड़ी बना के दी जाए, तो कैब ड्राइवर की जिंदगी थोड़ी सी आसान। भाई मसाजर तो चला ही सकता है ना उसके अंदर, तो जिसके पास बजट नहीं है तो 7-8 हज़ार के अलग से आते हैं फिर मार्केट में, सीट अपना पीछे के उसमें बैक में डलवा लो और यूज़ करो आराम से, ठीक है। बट नई गाड़ियों पर सब फीचर्स एड ऑन किए गए, जिससे तो UX कि एक्सपीरियंस किया, इंटरव्यू किया और उन फीचर्स को एड ऑन किया गया। एक तो होता है कि भाई आपने जेन्युइनली वो किया, एक होता है कि कंपटीशन के चक्कर में देना पड़ रहा है। भाई बंदा कंपेयर करता है ना, भाई जैसे टाटा है, टाटा की नेक्सॉन जो होती है 8 लाख से स्टार्ट होती है, 20 लाख तक जाती है, ठीक है। और 20 लाख में आप सोचो कितनी मज़ेदार गाड़ी आती है, हेक्टर भी आ जाती है आपकी, XUV 700 भी आ जाती है आपकी उसी के अंदर। लेकिन उस नेक्सॉन के अंदर 20 लाख में ऐसा वो क्या दे रहा है? तो उनके हर रेंज के अंदर अलग फीचर्स हैं। उन्होंने गाड़ी के अंदर एयर प्यूरीफायर भी डाल दिया है, गाड़ी के अंदर उन्होंने दुनिया जहाँ के फीचर दे दिए जो मर्सिडीज BM के अंदर थे, वो सारे नेक्सॉन के अंदर फीचर हैं। अब जैसे आप इंडिकेटर दोगे भी आपको लेफ्ट जाना है, तो क्या होता है कार के अंदर हमेशा ना ब्लाइंड स्पॉट होता है। अब जैसे ये भी गाड़ी चलाता है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ, तो हमारी गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट एक तो आगे होता है और एक पीछे होता है। पीछे वाला ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि जैसे आप कहीं टर्न ले रहे हो तो आपको आपका मिरर उतना पार्ट नहीं दिखाता जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो टाटा ने क्या किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑडी BM के फीचर्स को उठा के उसने उसमें डाल दिया। उसने अपना पूरा क्या करा, कंसोल जो है वो डिजिटल बना दिया और कैमरा लगा दिया। तो जैसे देखते थे बीच में हमें अब तक दिखाई देता 360 कैमरा, उसने क्या करा स्पीडोमीटर के अंदर कर दिया, जैसे आपने इंडिकेटर के अंदर ही आपको दिख जाएगा ये आपका 180 डिग्री तक, क्योंकि कोई पीछे से आता नहीं था, क्योंकि पता था टर्न आप ले रहे हो बंदा आगे बढ़ जाए अपनी गाड़ी में अचानक से, या अगर आप राइट टर्न करो तो राइट के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो MG हेक्टर एक फीचर लेकर आए कि भाई लोगों को थोड़ा सा और आलसी बनाते हैं। उन्होंने बोला जैसे बंदे ने स्टीयरिंग घुमाया इंडिकेटर ऑन, टर्न लेने के लिए ऑन भी नहीं करना, लेकिन वो खतरनाक है कि पता चला आपसे बाय मिस्टेक हो गया, इंडिकेटर ऑन हो गया और फिर आपने गाड़ी को फिर से सीधा कर दिया, तो आप रोड पर खतरा पैदा कर रहे हो उस चक्कर में। तो वो फीचर उन्होंने जैसे नया निकाला हेक्टर का, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया फीचर। लगाया था थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, मॉडल तक 1 साल के लिए फिर बंद, क्योंकि हटा दो, गलत है, क्योंकि यूज़र जब देना चाहे तभी। लेकिन हाँ, ऑटो कट ऑफ इंडिकेटर का जो होता है वो जब से गाड़ियाँ बननी स्टार्ट हुई इंडियन मार्केट में तब से अवेलेबल है। आप इंडिकेटर ऑन जरूर करते हैं लेकिन ऑफ नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग कार का इंडिकेटर, बाइकों में करना पड़ता है, कार में नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऐसा है जैसे हैंडल सीधा होगा वो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा खुद से। तो ये अच्छा फीचर है, बस आपको ऑन करने की ज़रूरत है। तो सोचो यूजर एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि हम तो सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये अब से बूम में है, ठीक है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस एक ज़माने से चल रहा है। और उसका अगर मैं आपको और इतिहास पे लेके चलूँ पीछे, तो आप ऐसा समझो कि जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, आदि मानव जिनको हम लोग बोलते थे, तो उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, व्हील की खोज की थी। तो जब व्हील वन गो में बन गया नहीं बना था, तो क्या क्या स्टेज थे उसके, सबसे पहले कौन सा व्हील बना, हमारा चकोर व्हील बना, बना तो लिया लेकिन वो एक बार घूमता था फिर अटक जाता था। फिर उन्होंने उसको मैथमेटिकली जैसा होता है ना हेक्सागन ऑक्टागन इस तरह से काटते चले गए। फिर एक उन्होंने सोचा कि इसको पूरे घिस के गोल कर दो, तो
पत्थर का जो पूरा राउंडेड फॉर्म में पहुंचा था, इसके एवोल्यूशन में भी 10 साल लग गए थे राउंड की जर्नी तक पहुंचने में। भाई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे ना। या फिर इसको ऐसा समझो कि UX क्या है, कि भाई हमने जानवरों की सवारी करना स्टार्ट किया था, जैसे घोड़ा मिला, घोड़े के ऊपर बैठे, अच्छा बैठे तो वो हमें ले गया एक जगह से दूसरी जगह, पोर्टेबिलिटी हो गई, आसान हो गया हमारे लिए। फिर उस पर दो लोग बैठा के देखे, वो दो को भी खींच के ले जाता है, तीन बैठा है तीन को भी ले जाता है, उन्होंने कहा इसके पीछे को जोड़ दो, घोड़ा उनके पीछे कुछ काट जोड़ दो ताकि वो खींच के लेके जा सके। तो क्या हुआ कि जब उसके पीछे जब व्हील का इजाद हो गया था, तो उन्हें गाड़ी जोड़ी छोटी सी, तो हम लोग अब पहले से ज़्यादा आसानी से सामान को लिफ्ट करके लेके जाते हैं। ये क्या है UX। फिर इस तरह से धीरे धीरे हमने दो घोड़े जोड़े, चार घोड़े जोड़े, तो ज़्यादा सामान हम लोग एक जगह से लिफ्ट करके दूसरी जगह पर ले जाना स्टार्ट हमने शुरू किया। तो UX आज का नहीं है, आपका UX हर जगह पर इन्वॉल्व है, बस आपको डिकोड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे उसी का एडवांस वर्जन क्या हुआ, आप देखते हो जितनी भी चीज़ें आती हैं, चाहे आप घर में पानी की मोटर चलाते हो या फिर अगर आप कार चलाते हो, तो उसमें क्या था, हॉर्स पावर, कितनी HP है उसमें, है ना, कि 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, इस तरह का पावर को जो हम लोग है फिजिक्स अगर हम लोग पढ़ते हैं उसको हॉर्स पावर में हम लोग मेजर करते हैं। यानी कि 4 हॉर्स पावर मतलब 4 घोड़ों की ताकत है उसके अंदर, उतना काम वो अकेले कर सकता है जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। तो ऐसे बना पहला स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के अंदर पहली बार सुना कि जैसे आज के टाइम लोग देखते हैं कि 10-10 डब्बों की ट्रेन जा रही है, 20-20 डब्बों की ट्रेन जा रही है, उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट हुए, उसको भी चलाने के पीछे बहुत सारी रिसर्च हुई। या जैसे फर्स्ट जो हमारा प्लेन बना राइट ब्रदर्स ने जो बनाया, उसके पीछे रिसर्च हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे हादसे हुए, धीरे धीरे जाके उस चीज़ को रिफाइन करते, भाई ये नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा ये चेंजेस कर देते तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, या जैसे पहले के जो प्लेन बने, जैसे BMW क्या थी, BMW या रॉयल्स रॉयस जो है, ये दोनों कंपनियां गाड़ियां नहीं बनाती थी, ये प्लेन बनाती थी। ठीक है, अगर आप इनका इतिहास पढ़ोगे तो ये क्या बनाती थी, प्लेन बनाती थी। अब BMW का जो आप लोगो देखते हो ना, वाइट और ब्लू कलर का जो आप देखते हो, उसके पीछे का जो कहानी है वो ये है, पहले इनका लोगो ऐसा नहीं होता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि इनके जो प्लेन थे, जो डॉग फाइटर प्लेन होता था ना, जो कैनोपी ओपन होता था ऊपर से, उसमें पायलट बैठा और 100-200-300 फीट तक जाता था, उससे ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं जाते थे, क्योंकि भाई उतनी जितनी हाइट पर आप जाओगे एयर थिन होती चली जाती है, हवा पतली होती, सांस नहीं ले पाओगे, नीचे की हवा भारी होती है, ऊपर हाइट पर पहुँचते हवा हल्की हो जाती है, तो आप इन्हेल नहीं कर सकते उस एयर को। तो वो 400-500 फीट तक मैक्सिमम कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी तो वहाँ तक लेके जाता था उसको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा लोग हवाए, ठीक है, जितने पायलट थे सबसे ज़्यादा हवाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ 17 पायलट थे और 7 प्लेन थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंपटीशन के चलते बहुत सारे बनाए गए, क्योंकि बॉम्ब ड्रॉप करना होता था, तो भाई यहाँ से फ्लाई किया सीधे जाओ बॉम्ब ड्रॉप करके आ जाओ, अगर किस्मत सीधे तो बॉम्ब ड्रॉप हो गया तो काफ़ी लोग तुम्हें उड़ा दिए, नहीं तो नीचे वाले ने तुम्हें उड़ा दिए, ये सिस्टम था। तो VM का लोगो जो बना वो इसलिए बना, उसने ट्रिब्यूट दिया क्योंकि स्काई कलर, क्योंकि वो लोग हवा में उड़ने के लिए अपने व्हीकल्स बनाते थे, और वाइट कलर जो था वो कॉफिन के लिए उन्होंने बनाया था, जो लोग इतने सारे मरे उसके। तो ऐसे बना BMW का लोगो, अगर आप उसकी जर्नी समझोगे तो ये था। उसके बाद BMW बिल्कुल इस एविएशन फील्ड से बाहर आ गया, तो हेलीकॉप्टर्स रहे BM के, प्लेन्स रहे, रॉयल्स रॉयस जो है उसने ज़्यादातर जितने भी प्लेन्स बनाए वो मिलिट्री के लिए बनाए, उसने सिविल के लिए कुछ नहीं बनाया। जैसे अगर आज भी आप इंडियन एयरफोर्स में देखोगे प्लेन्स, तो उसके इंजन पर आपको रॉयल्स रॉयस का लोगो दिखाई देगा। तो रॉयल्स रॉयस क्या करते थे, प्लेन्स के सिर्फ और सिर्फ इंजन्स बनाते थे, BM पूरा का पूरा यही बनाता था प्लेन। अब जैसे वो देखते हो बुगाटी, बुगाटी का शायद मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होगा, तो बुगाटी जो है सब चीज़ें बनाती है, साइकिल भी बनाती है, उसकी साइकिल बड़ी एक्सपेंसिव आती है, साइकिल कार बाइक सब कुछ बनाती है, प्लेन व्लेन सब बनाती है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल। तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, हर चीज़ के अंदर आप UX को ढूंढ के निकालने की कोशिश करो, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसकी डिज़ाइन फिलॉसफी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और वही चीज़ आपको वेबसाइट्स वगैरह के अंदर करनी, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जब हम लोग वेबसाइट चलाते थे तो पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि 10 ब्राउज़र खुल जाते थे, उसको कैसे फिक्स किया, टैब बनाया, विंडो पूरा एक ही है, बस टैब में आप टॉगल कर दे, पहले
पहले क्या होता था, पूरी की पूरी विंडो अलग खुलती थी। अच्छा, जब टैब का फीचर आ गया था तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, आदत हमारी वैसी हो चुकी अलग अलग विंडो में देखने की, तो लोग बेचारे खींच के निकाल के अलग रख के देखना पसंद करते थे उसको। फिर धीरे धीरे समझ में आया, नहीं यार टैब वाला फीचर ज़्यादा अच्छा है, सारी चीज़ें एक साथ दिख रही, मुझे क्या देखना है मैं देख सकता हूँ इजीली उसके अंदर। तो पहले मैं एक्सप्लेन करूँ तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें ऑडियो नहीं है, ठीक है? अगर ऑडियो होता तो फिर मैं तुम्हें डायरेक्ट दे देता, 2 घंटे में ख़त्म भी हो जाता। नहीं, इसका पीडीएफ नहीं है। देखिए पता क्या होता है, ये वाला पार्ट अगर मैं पीडीएफ दे दूंगा ना, आप इतना ही पढ़ोगे, लेकिन जितनी कहानियाँ मैं सुना रहा हूँ ना, वो कहानियों से तुम वंचित रह जाओगे। वो मैं UX वाला पार्ट अगर कंप्लीट हो गया तो UI वाला पार्ट में क्या क्या आएगा, वॉट डज UI डिज़ाइनर डू, तो यानी कि आप सभी लोग क्या करोगे, तो UI का ही काम करोगे, लेकिन UX वाला काम आपने छोड़ना नहीं है। फिर पता चला, सोचो कि फिर तो UI ही करेंगे, तो जो तुमने सीधा सीधा बता रहा हूँ 60,000 जो एक्स्ट्रा पे किया ना UX का, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम्हें। तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई UX से इंस्ट्रक्शन मिल गया हमने बस वो फॉलो करना है, अपने डिज़ाइन को जो भी आपको UX पर्सन बना के दे रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट आएगा। अब देखो, वायर फ्रेम जो होता है वो दोनों लोग बनाते हैं, UI पर्सन भी बनाता है और UX पर्सन भी बनाता है, ठीक है? अगर किसी क्लाइंट को फंक्शनल वायर फ्रेम चाहिए तो बनाओगे आप, और अगर नॉन फंक्शनल चाहिए तो बनाता है UX पर्सन, जो कि पेपर वायर फ्रेम लोग बोलते हैं। वेबसाइट का UI, ठीक है, डैशबोर्ड, तो मान लो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर यूज़र लॉग इन करता है, जैसे फ्लिपकार्ट। अब डैशबोर्ड क्यों बनाया जाता है, मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मुझे उसका इनवॉइस डाउनलोड करना है, तो वो कहाँ से डाउनलोड होगा, डैशबोर्ड से जाके ही होगा, या फिर मैंने उसको कब परचेज किया था, या मुझे इन फ्यूचर एक साल के बाद या विद इन अ ईयर मुझे अगर उसकी वारंटी क्लेम करना हो तो कहाँ से पॉसिबल होगा, वेबसाइट के डैशबोर्ड वाले पार्ट। तो कई बार आपके पास जो इंटरव्यू में टास्क मिलता है वो डैशबोर्ड डिज़ाइन का भी आता है कि डैशबोर्ड डिज़ाइन कर, या जैसे किसी डिलीवरी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का, या फिर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का डैशबोर्ड देखते हो, उस तरह की चीज़ें। और क्या पार्ट आता है, आइकन डिज़ाइन, किस्मत अच्छी रही तो आइकन बने बनाए मिल जाते हैं, नहीं तो आइकन भी टोटली में डिज़ाइन करने पड़ जाते हैं, ठीक है? आइकन कैसे, आइकन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सफारी का आइकन अवेलेबल है, ठीक है? तो मतलब ऐसा आइकन जो क्लियरिटी दे यूज़र को, भी इसका मतलब है क्या, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया कन्फ्यूजन। अब जैसे अगर हम लोग राशिफल देखते हैं, 12 जो हमारी राशियाँ होती हैं, तो उनके सिंबल्स देख के आप पहचान जाते हैं ना। अब जैसे बहुत सारे लोग हिंदी में जानते हैं, ठीक है, अब वो इंग्लिश में समझ नहीं पाते कि क्या नाम है उसका, या किसी को इंग्लिश में पता होता हिंदी में नहीं पता होता। तो हमने अपनी वेबसाइट में जब उस चीज़ को ऐड किया था, हमने क्या करा, दोनों का ख्याल रखा, जिसको हिंदी में समझ में आता वो हिंदी में समझ ले, जिसको इंग्लिश में समझ आता वो इंग्लिश में समझ ले। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उस चीज़ को आसान बनाने के लिए एरीज यहाँ लिखा हुआ है, साथ में क्या है इसको मेष, ठीक है, या जैसे एक्वेरियस है इसको कुंभ बोलते हैं, तो इनके आइकन्स भी हैं, ठीक है? और क्या है, विजुअल डिज़ाइन, ठीक है? विजुअल डिज़ाइन मतलब ये कि हमारी प्लेसमेंट्स वगैरह कहाँ होंगी, क्या इस पूरे पार्ट में हमने ये कहीं पर जिक्र किया कि इमेज बनाना हमारा काम होगा, समझ गए? तो अगर तुमसे कोई ये बोले कि भाई ग्राफिक्स भी तुम ही बनाओगे, तो पहली चीज़ ये क्लियर कर लो कि तुम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो, तुम्हारा काम है डिज़ाइन एलिमेंट्स को प्लेस करना राइट प्लेस पर, ना कि तुम ग्राफिक्स बनाओगे। अभी भी हमारा जो मार्केट है वो इतना क्लियर नहीं है जिसको ये पता हो कि भी एक UI डिज़ाइनर का काम क्या होता है और एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम क्या होता है। आप जाओगे UI की जॉब के लिए काम दे देंगे, ग्राफिक वाला जाओगे ग्राफिक के लिए काम दे देंगे UI वाला, क्योंकि क्लियरिटी, तो इसी वजह से अच्छे फ्रेशर्स को अच्छी सैलरी नहीं देते। बोलो वो समझते भैया मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर मिल गया UI डिज़ाइनर के नाम पर, जबकि तुम्हारा काम ग्राफिक बनाना नहीं है, ये चीज़ क्लियर रखना। अब तुम ये सोच, भी हमारे उस कोर्स में फोटोशॉप इलस्ट्रेटर था, तो वो सिर्फ और सिर्फ UI UX डिज़ाइन करने के लिए प्लस आइकन्स डिज़ाइन करने के लिए था, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं था तुम्हारा। बट अगर तुम
सीख गए हो तो तुम्हारे लिए तो कोई एडवांटेज ही रहेगा उस चीज़ का, ठीक है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, ग्राफिक्स बनाना आपका टास्क नहीं है, ठीक है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर यूआई डिज़ाइनर को अलग से दिया जाता है, जिसको आप इंस्ट्रक्शन दोगे भी मेरे को इस थीम के हिसाब से ग्राफिक बना के दो, ठीक है। पता चला कि तुम फोटोग्राफ बना रहे हो, नहीं करना। डिज़ाइन का नहीं कि यूआई के लिए, यानी कि कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि थ्रू आउट वेबसाइट में सर्च जो होगा वो एक जैसा होगा। तो क्या होता है, जो यूआई की टीम काम कर रही होती है तो एक टीम, एक बंदे का उसमें रोल ही यही होगा कि जो डिज़ाइनिंग के कॉम्पोनेंट्स बना के देगा, जो आइकन बड़े अच्छे बना सकता होगा, जो उसके कॉम्पोनेंट बना के आपको देगा। तो ऐसा ना हो कि एक जगह पर सर्च मेरा डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि वो इन्होंने बना दिया प्रयांश ने, एक जगह पर श्रेया ने बना दिया सर्च डिफरेंट, तो क्या हुआ कि दोनों के मिसमैच जा रहे हैं। अब एक पेज पर जा रहे हैं तो वो सर्च कहीं पर थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, एक जगह जा रहे सर्च थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिज़ाइन गाइड एंड यूआई किट होगी, जैसे हम लोगों ने फिग्मा के अंदर मटेरियल की यूआई किट देखी या हमने बूटस्ट्रैप की यूआई किट देखी एक्सडी के अंदर, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल हो गया कि जब भी कोई डिज़ाइन बनेगा तो इसी फॉन्ट साइज के ऊपर यही पैडिंग यही मार्जिन वगैरह रहने वाले हैं। इसका मैंने किया यूजफुल है।
सीधी सी बात है, मैं वहाँ से चेक कर सकता हूँ मेरा कितना लिमिट बचा हुआ है, कितना क्या कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से मैं पेमेंट वगैरह कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ढूंढना पड़ रहा है ना, तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो चीज़ें ना हाइड एंड सीक भी होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको समझाना पड़े कि वहाँ जाके ये चीज़ें आप कर पाओगे। तो जैसे एक या तो बना दो कार्ड कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल, कि जहाँ से आप पूरे कार्ड को टेम्परेरी ब्लॉक करना हो, अनब्लॉक करना हो, जो भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हो सारी चीज़ें। क्रेडिबल, क्रेडिबल क्या होता है कि आपका ऐप मार्केट में अपनी कोई एक इमेज ऑन करता है कि नहीं। अब जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने से डरते हो, ठीक है। अब जैसे HDFC बैंक आप कोई ऐप डालने जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वार्निंग आती है लिखी हुई, बट आपको ये पता है HDFC बैंक है, तो आप एक बार के लिए रिस्क ले लो, ठीक है। बट वहीं पर कोई अनोनिमस ऐप हो और उसके ऊपर इस तरह का लिखा है सस्पिशियस वार्निंग, तो आप क्या बोलोगे, तुरंत पीछे हट जाओगे, नहीं डालो, ठीक है। डिज़ायरेबल कि भाई एक ऐसा एप्लीकेशन है हमारे पास जिसकी हमें बार बार डिज़ायर है कि भाई हमें यहाँ पर जाना है, जैसे कि तुम्हारी डिज़ायर फेसबुक इंस्टाग्राम बंद होती है, आप जाते हो हर थोड़ी देर में उसको जाकर खोलोगे खोलोगे, व्हाट्सएप जाकर डेली खोलोगे खोलोगे उस चीज़ के अंदर। या जैसे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी, तो आपकी डिज़ायर क्या होती है, फ्लिपकार्ट है ना, है ना, तो जो आपको बार बार रिटेन करने की कोशिश करें। एक्सेसिबल क्योंकि ईजी टू एक्सेस है, और वैल्यू ऑफ मनी क्योंकि यहाँ पर जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट यूनिकॉर्न है अपने मार्केट के अंदर, सही है। तो अगर इस तरह के फीचर्स लेके आप अपने ऐप के साथ आ रहे हो, सॉल्यूशंस लेके आ रहे हो, तो ये चीज़ों को ज़रूर से चेक करना कि भाई ये सारे फीचर्स जो होते हैं यूज़र को इन्फ्लुएंस करते हैं, भाई इसको यूज़ करना है या नहीं करना है। आप खुद सोचो, जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो क्या आपकी शुरुआत वीडियो से होती है, कोई स्टैटिक पोस्ट से होती है, एक या दो पोस्ट के बाद ऐसा कोई रील वीडियो आके फंस जाता है, उसके बाद आप पता नहीं कहाँ भटक जाते हो, पता ही नहीं चलता कि मैं तो यहाँ आया ही नहीं था और आप घंटों लगा के आ रहे हो वहाँ से। जैसे आप फेसबुक से स्टार्ट करते हो, कब आप वीडियो के सेगमेंट में जाते हो और कब आपके पास 2-4-8 वीडियो देखने के बाद वापस निकल के आते हो, तो आपको अचानक से झटका सा लगता है कि भाई अरे इतना देर हो गया इसको चलाते हुए, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करेगा, 15-20 मिनट आपका फिर से मन करेगा, ठीक है। ऐसे भाई मेरे को नोटिफिकेशन आया था व्हाट्सएप पर, दिखाई दिया इंस्टाग्राम पर भी किसी ने कुछ पोस्ट किया और मैं कर दिया टैग, उलझ गया उसके माया जाल में फिर से, ठीक है। क्या है एकदम तरीके से डब्बे के अंदर बंद है, जब हम बिखरा हुआ नहीं है, है ना, समझ रहे हो। तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है, एक मेट्रो आती सारा क्राउड समेट के ले जाती है, फिर दूसरे के लिए रह जाते हैं, लेकिन रोड पे ये वाला 900 ऐसे ही रहेगा, विकास मार्ग में जो ट्रैफिक हो ऐसे ही रहेगा। तो ऐसा नहीं, जगह से छुटकारा कब मिलता है, जैसे मान लो हम आउट ऑफ स्टेशन कहीं जा रहे हैं और हमने मुरथल पार कर लिया, उसके बाद जाकर रोड थोड़ा सा साफ दिखना स्टार्ट होता है, तो ये एग्जांपल हमने देखा था, वो क्या था, यूजफुल, ठीक है। हर चीज का एग्जांपल दिखाते हैं जिससे आपको विजुअली समझ में आए। यहाँ पर देखो अमेज़न की वेबसाइट,
अपने अपने सेगमेंट में यूनिकॉर्न है ना। अमेजोन बेसिकली इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था सर्च इंजन से, अमेजोन को अपना सर्च इंजन आता था ठीक है, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को चेंज किया वक्त के साथ एलेक्सा में ठीक है। तो एलेक्सा रैंकिंग एक ऐसी वेबसाइट हुआ करती थी अमेजोन की जो ये बता देती कि आपकी वेबसाइट कहाँ स्टैंड करती है दुनिया में ठीक है। बट मार्केट में गूगल ने पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गेन किया तो एलेक्सा ने अपने अमेजोन का जो एलेक्सा था उन्होंने 2 साल पहले उसको बंद करके एलेक्सा वॉइस AI में कन्वर्ट कर दिया, मतलब नाम रहा लेकिन बंद नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म कर दिया उसे कि डेडिकेटेड अब जो एलेक्सा है उससे वॉइस वाला AI रहेगा, नॉर्मल से लोग उसको खत्म कर रहे हैं। 2022 में उन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया ऑफिशियली। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनसे उनकी आइडेंटिटी बनी उन्होंने उसको एकदम से नहीं छोड़ा, जैसे इंडिया में अगर हुंडई का अगर लोग देखें सफ़र तो उसका जो सफ़र स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका सेंट्रो से ठीक है। तो सेंट्रो 2012 में बंद हुई ठीक है, 12 के बाद में उन्होंने उसको 17-18 में फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, फिर से 3-4 साल चलाया अब उन्होंने बंद कर दिया ठीक है। तो ये होता है किसी एक सेगमेंट से किसी ब्रांड का लगाव ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मारुति, मारुति की जो अर्लियर सबसे पहली स्टेज होती जब सबसे पहली मारुति 800 आई थी उनकी वो 35,000 की आई थी, और दिल्ली का ही पहला बंदा था जिसने पहन किया पहली गाड़ी खरीदी थी सरदार था जिन्होंने उसको बाई किया 35,000 और आज तक उन्होंने रखी हुई बेची थी गाड़ी। एक बंदे का भाई अपनी पहली चीज़ से लगाव होता है ना, तो ऐसी ब्रांड तो उसने क्या करा एक ऑल्टो 800 के नाम से जब वो ब्रांड डिसकंटिन्यू हो गया मतलब पूरा एक सेगमेंट हमारा तो उन्होंने क्या बना दिया उसका ऑल्टो 800, यानी कि उनका वो क्लियर मैसेज था कि भाई जो 800 है वो ऑल्टो 800 होगी, तो उन्होंने ऑल्टो को भी रखा और बाद में जाकर उसको उन्होंने बंद करके फिर ऑल्टो K10 बना दिया। अब K क्या है, K जो है उनके इंजन का टाइप है, जैसा आप देखते हो हुंडई और मारुति दोनों सिमिलर इंजन का ही यूज़ करते हैं, 4 सिलेंडर कापर इंजन अगर पढ़ोगे टेक्निकली उसके बारे में ठीक है। तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें रही जिसमें हर एक ब्रांड ने अपने एक उस स्टार्ट मॉडल को पकड़ के रखा जिससे उन्होंने मार्केट में अपनी एक होल्ड बनाई एक पकड़ बनाई। अब जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड हैं जैसे कि रेनॉल्ट का नाम सभी ने सुना होगा है ना, कोई गाड़ी का नाम बताओ, डस्टर। तो डस्टर इंडिया में कैसे आई, डायरेक्ट या फिर किसी के थ्रू नहीं पता। डस्टर से पहले रेनॉल्ट का एक और वो आया था वेरिएंट, उसका नाम था वेरिटो या हाँ वेरिटो ही था शायद, रेनॉल्ट की वेरिटो आई थी। तो उस पर अगर आप देखोगे तो दोनों गाड़ियों के लोगो अवेलेबल थे, जैसे अगर आप एक और देखो गाड़ी मार्केट में आपने देखो रेक्सटॉन ठीक है, जो कि आपका एक जापानीज ब्रांड है और महिंद्रा के साथ टाई अप करके वो महिंद्रा के सेगमेंट में लॉन्च हो, और अब उन्होंने भी अपने बनाने स्टार्ट कर दिए। जैसे आप देखते हो टोयोटा के अपने साथ ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना टोयोटा के फॉर्च्यूनर, तो उससे ऊपर भी उनके अलग अलग आते हैं। देखते हो मार्केट में नेचुरल हेलिक्स अगर आपने ट्रक देखा हो वो काफ़ी रफ एंड टफ ट्रक बना रखा उन्होंने जिसमें 5 लोग बैठ भी सकते हैं, पीछे अपना लगेज वगैरह डाल के आप ऑफ रोडिंग कैंपिंग वगैरह जो भी अपना कराना चाहते हो करके आ सकते हो बस वगैरह से। तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने किसी की हेल्प ली, जैसे कि हम लोग बात करते हैं हीरो होंडा, तो हीरो जो था इंडियन मार्केट में साइकिल बनाता था और होंडा क्या था अपनी मोटरेबल टेक्नोलॉजी लेकर आया और उसने क्या करा हीरो हर किसी के घर घर में अवेलेबल था। तो उसने क्या है बस हीरो के नाम का उसने फ़ायदा उठाया कि भाई तुम्हारे ऑलरेडी मार्केट में होंडा बहुत तगड़ी है, हम आपको ऑटोमोटिव इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो होंडा को सभी के घर तक पहुँचने में कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, हीरो के नाम पर होंडा अपना आप सबके पास पहुँच गया। और जब उसको लगा कि भाई अब हम बहुत फेमस हो चुके हैं कि अब हम निकलने साथ में, तो 2011 में क्या हुआ लास्ट इनका रहा वेंचर, उसके बाद में 12 में ये स्प्लिट हुए और हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया। तो हीरो के पास जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो उसी की थी। लेकिन एक चीज़ है अगर मार्केट में आप देखोगे ना तो जैसे सबसे ज़्यादा कार जो सेल होती है एवरी ईयर वो किसकी होती है, मारुति होती है, क्योंकि इंडियन भरोसा है भाई
पकड़ तो सकते हैं ना, बंदा बाहर का तो नहीं है ना, पता चला बाहर का कोई बंदा आज उसकी गाड़ी है कल को नहीं है, जैसे फोर्ड अपना सामान समेटा भाग गए, ठीक है, अब दोबारा वो कम बैक करें भी हमने गलती करी मार्केट छोड़ के, क्योंकि उनके छोड़ने के बाद पता नहीं कितने ब्रांड आ गए वहाँ, है ना। तो ये उनका एक गलत डिसीजन हुआ इंडियन मार्केट में। अच्छा, अब जब से यूट्यूबर्स ने काफ़ी अच्छा अर्न करना स्टार्ट करा तो गाड़ियाँ उनकी इम्पोर्ट खूब होने लगी, क्योंकि फोर्ड और फिएट दो ही एक मार्केट में कंपनी है जो सभी गाड़ियों के लिए इंजन बनाती है, हुंडई के लिए इंजन नहीं बनाती, वो किया बनाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंजन सो बन, जैसे मारुति का जो इंजन है वो आपका फिएट का इंजन होता है, किया हुंडई एक है, लेकिन किया मैं बता रहा हूँ ना, किया जो है इंजन की टेक्नोलॉजी रखती है, लेकिन होता है ना कि बोरिंग सा हो जाता है कई बार, एक ही चीज़ देखते देखते, तो क्या होता है ब्रांड अपना ना दूसरा चीज़ें लेकर आ जाता है, अभी एक नए नाम से लॉन्च कर। जैसे फैन के इंडस्ट्री में एक बहुत फेमस नेम होता था उषा, ठीक है, और उषा से ज़्यादा फेमस होता था खेतान, नाम चलता था, ठीक है। फिर एक सेगमेंट लाया गया महाराजा वाइट लाइन, ठीक है, महाराजा वाइट लाइन ने मार्केट में अपनी जगह बनाई, किसके बेसिस पर, अपना मिक्सर जूसर ग्राइंडर के बेसिस पर, और धीरे धीरे महाराजा वाइट लाइन नाम तगड़ा था और वाइट लाइन ऊपर से मेंशन था, तो हर एक चीज़ में उनका सेगमेंट धीरे धीरे कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे और ब्रांड आए, उन्होंने उसको थोड़ा सा डाउन करना स्टार्ट किया, जैसे कि बजाज ने बहुत अच्छा नाम बनाया, कमर्शियल में सुजाता ने बहुत अच्छा नाम बनाया अपना, फिलिप्स ने अपना नाम बनाया, लेकिन अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखो इनमें से कोई भी ये चीज़ें बनाते ही नहीं, बनाने वाला कौन है, या तो सुजाता है, अगर आप सामान खरीद रहे हो मिक्सर जूसर अगर खरीदते हो तो रफ एंड टफ जो आता है वो या तो सुजाता है या फिर बजाज है जो अपना बनाता है, नहीं तो बाकी सब क्या कहते हैं भाई ये मेरे को ना, ये मेरा रेंज है, इस रेंज के अंदर मेरे को एक बहुत बढ़िया सा डिज़ाइन बना के दे दो और मार्केट में मुझे बेचना है। तो हैवल्स हैवल्स के जिसके अंदर मिक्सर जूसर आइसक्रीम आप देख रहे हो ये मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये क्या करते हैं किसी भी ओईएम पार्टनर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं और अपने बजट के हिसाब से कस्टमाइज बना के चीज़ें ला के लोगों को दे देते हैं, जैसे टाटा एग्जाम्पल के लिए। तो टाटा में टाटा का सिर्फ और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर है, बाकी टाटा के अंदर एक भी कंपोनेंट टाटा का खुद का नहीं है, इसलिए टाटा की गाड़ी आप ले तो लो सेफ्टी के लिए, लेकिन कल को अगर एक भी कंपोनेंट खराब होता है तो जेब फाड़ डालता है वो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उसकी है ही नहीं, ना तो इंजन की टेक्नोलॉजी ना ही तो उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स है, सारे कॉम्पोनेंट्स मेड इन चाइना है, अगर कहते हैं देश का लोहा तो लोहा ही है बस, बाकी और कुछ नहीं है उसके अंदर, तो ये डिफरेंस है। तो जब आप कोई चीज़ ले रहे हो, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, तो उसके बारे में रिसर्च ज़रूर करो, ठीक है, चाहे घर का सामान लो या कोई वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हो। देखो यूट्यूब वाली रिसर्च पर तो मैं भरोसा नहीं करता, यूट्यूब की रिसर्च होती है इन्फ्लुएंस रिसर्च, मान लो मैंने तुम वैसे चार लोगों को पैसा दिया भाई इस ब्रांड के बारे में अच्छा बोलो, तो वो वाली रिसर्च चल रही है लोगों के सामने। देखो रिसर्च जब भी आप कभी वो देखोगे ना, तो ब्रांड की बिल्कुल स्टार्टिंग पे जाके पढ़ो चीज़ों के बारे में, वो है क्या, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि टाटा का जो है, जो मैंने उसके बारे में पढ़ा बहुत इनडेप्थ में जाके, उसका एक भी कॉम्पोनेंट जो है वो टाटा नहीं बनाती, उसका कॉम्पोनेंट बनाती बॉश कंपनी, ठीक है, वो बनाते हैं उसका कॉम्पोनेंट। इसी वजह से जो भी लोग टाटा ओन करते हैं वो उनका रोना यही है कि भाई सो गाड़ी में कुछ भी हो जाए इलेक्ट्रिकल तो बड़ी दिक्कत होती है। मारुति को लोग क्यों प्रेफर करते हैं, भले से सेफ्टी 2 स्टार या 3 स्टार होती है, लेकिन आप 1.5 लाख रुपये में पूरी गाड़ी नहीं करा लो, सारे पार्ट बदलवा लो, पूरा इंजन ओवरऑल करा लो आप उसका, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि मारुति की टेक्नोलॉजी बाहर की ज़रूर है, फिएट इंजन दे रही है, लेकिन उसके पार्ट्स वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर आपके यूनो मिंडा से मैन्युफैक्चर करा के मारुति का टप्पा लगा देते हैं उसके ऊपर, ये चीज़ है। तो उसकी टेक्नोलॉजी यही की है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना, तो रिसर्च ये कहता है कि आफ्टर सेल्स ज़रूर दे। तो जैसे मान लो कि शाओमी कंपनी है एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप देखते हो कि उनके हाउस होल्ड में उन्होंने क्या निकाले, एक फ्लोर क्लीनर रोबोट्स लॉन्च किए 5-6 साल हो गए, और वो हर बार उसका कुछ ना कुछ नया अपडेट लेके आते जा रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि भाई आज की डेट में उससे कस्टमर के यहाँ पर इंडिया में काफ़ी सारे बन चुके हैं, मतलब इजीली आप अपनी चीज़ों को सर्विस वगैरह करा सकते हो। अब शाओमी के प्रोडक्ट्स वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं आते, बहुत पॉकेट फ्रेंडली, प्रॉब्लम भी आ गई तो बहुत ईजीली फिक्स कर लो। अब वहीं पर आपका एक प्रोडक्ट है
एक बहुत फेमस प्रोडक्ट आया है, इसका क्या नाम है जो इसमें है, एयर प्यूरीफायर है, डायसन। ठीक है, अब मान लो कि फीमेल्स को अपने हेयर स्टाइल करने के लिए अगर वो लेना पड़े उसका रोल, वो 40,000 का आता है, चालीस पचास। उसमें भी दो दो वेरियंट है, उसमें दो वेरियंट अवेलेबल है उसका। एयर प्यूरीफायर अगर आप लेने जाओगे तो उसके लाखों तक की सीरीज में अवेलेबल है, इतना एक्सपेंसिव। अब सोचो वो खराब हो जाए उतना ही कॉस्ट करता है वो नए के बराबर। हाँ बट प्रोडक्ट बड़ा यूनिक है, जैसे एप्पल होता है ना, कि आप देखोगे उसकी जो बॉडी है पूरी की पूरी आपको एल्युमिनियम एक ही सिंगल ब्लॉक में बनी होती है। एप्पल के जो पूरा डिज़ाइन है ना, चाहे आप लैपटॉप खरीदो, मैकबुक एयर या फिर आईफोन खरीदो, वो एक सिंगल एल्युमिनियम ब्लॉक से ही बना है पूरा का पूरा। अब जैसे एंड्रॉयड होता है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है, इनकी जो आउटर बॉडी होती है, तो एप्पल में और इसमें ये डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट के अंदर कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जिसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ अपने दिखा रहे हैं, जो सरफेस से रिलेटेड है हम लोग देख रहे हैं, या फिर जो अमेजोन के साथ हम लोग कंपेरिजन देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट में क्लियरिटी है, ठीक है। बट अमेजोन की वेबसाइट में बहुत क्लटर दिखता है, नेविगेशन हो जो उसका व्यू पॉइंट है बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, ठीक है। हर कोई इसको इजिली नहीं चला सकता, ये देखोगे ना पूरा भर भर के डाला। यहीं पर हम लोग अपना प्राइम का भी ऐड चला लेते हैं, इसी के अंदर हमारी कोई वेब सीरीज आती है, अमेजोन का मिनी टीवी भी इसी के अंदर आ रहा है, सब कुछ इसी के अंदर डाला है। अब यहाँ पर अगर हम लोग वे पॉइंट को ध्यान से देखें तो इसको कौन बंदा चला लेगा, जिसको भाई सब समझ में आता हो, लेकिन एक लेमैन इसको नहीं चला सकता, ठीक है, उसके लिए दिक्कत आएगी जिसको इंग्लिश नहीं आती। अब लैंग्वेज अगर मुझे चेंज करना हो वो प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि जब वेबसाइट स्टार्ट हुई तो यहाँ पर एक पॉपअप आए, जो बंदा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज का सिलेक्शन मैं कर पाऊँ। जैसे आप देखते हो विंक म्यूजिक चलाते हो या आप स्पॉटिफाई चलाते हो, तो उसमें कहते हैं जब पहली बार हम लोग चलाते हैं तो हमसे हमारी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि भाई कौन कौन से म्यूजिक हमें सुनने पसंद है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सारे दिए हुए उसके अंदर, आप जनरली दो या तीन उसके अंदर चूज़ कर लेते हो, है ना। बट यहाँ पर जब वेबसाइट बूट होती है तो ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता है, ये कमी इसके अंदर भी फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट के ऐप में अगर आप चाहो तो लैंग्वेज का कंट्रोल उन्होंने भी दिया, लेकिन वो अंदर है, जबकि वो यूज़र से पूछा जाए वो किस में चलाना चाह रहा है, इनका अवेलेबल है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, बट नए बंदे को कैसे पता चलेगा। बस प्रोडक्ट लिस्ट किया। अब इन्होंने जो लोगों को रिटेन कैसे किया, इन्होंने एक छोटा सा काम किया, इन्होंने क्या बनाया कि भाई बंदे से 1,000 रुपीज़ ले लो और उसको सारी चीज़ें जैसे सेम डे डिलीवरी या फिर एक से दो दिन के अंदर डिलीवरी उसको दे दो, वो सारे फीचर करा दो उसके अंदर, अमेजोन का पेंट्री बना दिया उन्होंने उसके अंदर, सारी चीज़ें दे दी, तो उसको टीवी भी देखने के लिए मिल रहा है ना, मिनी टीवी उसको फ्री कर रखा है उन्होंने, मिनी टीवी तो सभी के लिए फ्री है, बाकी जो हमारा टीयर 1 का या टीयर 2 का जो क्राउड है बहुत इजीली इसको अब समझने लग गया, चला लेता है उसको। बट क्लैरिटी अगर आप देखो तो फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी, उसके अंदर प्रोडक्ट जो प्लेस किए हुए हैं या जो उन्होंने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें। अब जैसे ये जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, फाइंडेबल। तो जैसे आप किसी नए मॉल में जाते हो, एक हो गया कि जिसमें आप रेगुलर जाते रहते हो, एक ऐसा मॉल है जिसमें पहली बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल DLF के नए नए मॉल बने, ठीक है। अब हम किस फ्लोर पर है और किस जगह पर हमें क्या मिलेगा या किस सीक्वेंस में हमारे स्टोर्स वगैरह बने हुए, तो फाइंडेबल समझ में आ रहा है, ठीक है। भाई मैप का यूज़ क्या करते हो, गूगल मैप का, कुछ लोकेशन फाइंड करने के लिए करते हो ना, और उसके बेसिस पर आप नेविगेट करके चले जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये है हमारा फाइंडेबल का एग्जाम्पल, ठीक है। और ये भी किसी बंदे ने एक्सपीरियंस करके लगाया है मैप के अंदर, जो आप जैसे शिप्रा मॉल में जाओ या फिर आप किसी मॉल में अच्छे मॉल में जाओ जहाँ पर बड़े एरिया वहाँ पर बहुत सारे लोगों को तो वॉशरूम ढूंढने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कहाँ पर मिलेगा, वेस्टरूम किधर है नहीं पता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं जगह जगह, जैसे लॉबी में भी यहाँ से जाके आपको मिलेगा, तो उन्होंने साइन का यूज़ किया हुआ है, लेकिन हर बंदा कंफर्टेबल नहीं होता। तो एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर या जहाँ भी आपको दिख रहा है कि 4 वे पॉइंट है यहाँ से, तो यहाँ पर एक आपको फाइंडेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से जैसे एक बोट का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, और
सीनी दोनों के साथ ही कंपैटिबल है एक्टिव वॉइस असिस्टेंट विद वन टीम, ठीक है। तो यानी कि हमें इसके अंदर बहुत इजीली कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। कितने लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, सारी चीज़ें उस तरह का सारा इसमें मिल जाएगा आपको। तो ये वो हमारा क्रेडिबल का एग्जाम्पल। अब जैसे ये हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं डिज़ायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइम ऐसा होता था जब तक मार्केट में बाइक्स नहीं होती थी, तो मार्केट में जो राज करता था वो था बजाज चेतक, ठीक है। उसका बहुत तगड़ा दबदबा रहा, ठीक है। या तो ये चलता था या फिर एस्कॉर्ट कंपनी के और यामा कंपनी का वेंचर था राजदूत, मेरे पास आज भी है, चलाता हूँ अपने होम टाउन द्वारा इलेक्ट्रिक ईवी में, ठीक है। तो ये एक ऐसा था कि मतलब प्लास्टिक का पार्ट जो बहुत नाके बराबर होता था, ठीक है। और फिर इसी का एक सक्सेस वर्जन आया एलएमएल वेस्पा, जो कि बहुत फेमस हुआ, मतलब इससे तगड़ा भागता था, स्कूटर का व्हील भी डायमीटर भी बड़ा था। फिर उसके बाद में हमारे कुछ इस तरह के, अब जैसे आप स्कूटी चला रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि यार मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। तो हम कहते हैं साइड से आवाज़ करते हैं तो एक अलग ही डिज़ायर पैदा करते जाते हैं। या जैसे आप एक कार में चल रहे हो, एक वीएम आपको क्रॉस करके जाए, तो डिज़ायर डेवलप होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो हर बंदे का जिस चीज़ के पास, जो जिस चीज़ पर वो है राइट नाउ एट प्रेजेंट, उससे ऊपर की उसकी कोई ना कोई डिज़ायर ज़रूर होगी। जो आईफोन चला रहा है वो चाहेगा मेरे पास प्लस हो, जो प्लस चला रहा है वो चाहेगा प्रो, जो प्रो चला रहा है वो प्रो मैक्स हो, सीधी सीधे, क्योंकि डिज़ायर का कोई एंड नहीं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधी सी बात है, जो नॉर्मल वाले ईयरफोन्स का यूज़ कर रहे हैं या ब्लूटूथ का यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे मार्केट में एक सेगमेंट आया बोट, ठीक है। बोट क्या है, बेसिकली आपका जे बी एल के प्रोडक्ट्स का ही रेप्लिका है। जे बी एल जो इसका डायरेक्टर है, क्या नाम है इसका, अमन है, अमन जे बी एल में जॉब करता था, ठीक है। हाँ, अमन जे बी एल में जॉब करता था और उसने छोड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कंपनी ने उसको अच्छा इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो उस वजह से क्विट कर दिया। तो उसका एक इंटरव्यू ऑनलाइन अवेलेबल भी है उस चीज़ को लेके। तो उसका ये कहना था कि जो बंदा, जैसे मान लो हमारी क्लास में 10 लोग हैं, अब हम सब 10 लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते, किसी की नॉलेज अप होगी, किसी की नॉलेज डाउन होगी। तो जो डिज़र्व करता हो जैसा, उसको वैसा मिलना चाहिए, तो पॉइंट भी है, वैलिड है। अभी जैसे हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज तुमने सुबह बोला कि भाई एक इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपये वो पे करने के लिए तैयार है। अब बंदा डिजर्व करता है 20,000 रुपये, तुम उसको 5,000 पर पे कर रहे हो, तो भाई पहली चीज़ ये कि आप ये तो देखो कि बंदे की वर्थ क्या है। अब अगर बंदे की वैल्यू से ज़्यादा की है तो उसको उससे ज़्यादा पे करो, नहीं तो बंदा सीधी सी बात रुकेगा क्यों आपके पास। एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा क्विट क्यों करता है, क्योंकि उसको ये पता है मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। या हमारे यहाँ से, इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट हो जाते हैं यूएस में जाके, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने आज डॉक्टर की एक पढ़ाई अगर पढ़ी है तो मुझे इसका जो माइलेज ज़्यादा अच्छा मिलेगा वो मुझे यूएस जाके मिलेगा, तो बंदा यहाँ से मूव कर जाता है। कुछ लोग होते हैं जो पैसा नहीं देखते, वो सर्विस में देखते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो पैसे को देखते हैं, भी मैंने इतना लगाया एम बी बी एस के ऊपर तो मुझे इतना मिलना चाहिए, तो वो लोग वहाँ से मूव करने का प्लान करते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, सब लोग एक जैसे नहीं हैं। तो सेम उसी तरह से अमन का भी जो इंटरव्यू था, उसने ये बोला था कि जीवन में जब वो जॉब करता उसने बोला था मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट जो है वो डबल होना चाहिए। तो कहते अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, इतना पैसा थोड़ी ना पे कर देंगे हम लोग। तो उसने कहा ठीक है, नमस्ते, मार्केट में मिलते हैं, ऐसे बड़ी बोट कंपनी और जो स्टार्ट होगा। हाँ, सीधी सी बात है, तो वही तो चीज़ होता है प्रॉफिट शेयर। भाई आप कमा रहे हो हमारे नॉलेज के बेसिस पर और आप हमें पे नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें। अब देखो, अगर जे बी एल का भी अगर आप देखोगे तो जे बी एल इज़ अ ब्रांड नेम, ठीक है। लेकिन ये कहाँ का है, ऑरिजिन ऑफ कंट्री क्या है इसका,
इसका जो अंदर कंपोनेंट्स है वो चाइना का है। मेरे पास सारा जीवल के गैजेट्स है, अलग अलग स्पीकर्स, क्योंकि मैं म्यूजिक लवर हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा रखता हूँ, तो इसलिए जब भी इसकी चाहिए। अब जैसे जीवल मेरे पास है तो मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम है वो ये कि मेरे पास बॉस क्यों होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका एक अलग नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। बट उसके कॉम्पोनेंट्स इतने एक्सपेंसिव आते हैं कि सोचना पड़ता है, बड़े डेलिकेट है। मतलब एक छोटा सा अगर आप ये लीड लेने जाओगे ना, ये 20,000 भी आते हैं अगर अच्छी चीज़ लेने जाओगे। तो ये क्या हुआ हमारा वैल्यूएबल का। अब वैल्यूएबल में जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि भाई सीधी सी बात है कि किसी का अगर बजट कम का है तो वो उसके साथ जाना पसंद करेगा, किसी का बजट अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसके साथ जाना पसंद करेगा। लेकिन ध्यान रखना वैल्यू ऑफ मनी चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। एक बड़े बुजुर्गों की कई पुरानी कहावत है, सस्ता रोगे बार बार, महंगा रोगे एक बार। तो एक बार ले लो, अच्छा ले लो। अब तुमने एक सस्ते वाली लीड ली, जरा से किसी खराब हो, ठीक है। अब जैसे वो देखते हो एक डेटा केबल जो हमारी आती है, एक तो आती है नॉर्मल सिलिकॉन में आती है जो कि वेदर के हिसाब से आपकी बिल्कुल एडजस्ट रहती है, एक होती है बिल्कुल सस्ती वाली डेटा केबल, सर्दी आती है उखड़ जाती है पूरी, और ज़रा ज़्यादा मोड़ी टूट जाएगी किसी ना किसी एक पॉइंट से, या तो चार्जिंग पॉइंट से या फिर यूएसबी पॉइंट से, जहाँ सब लोग चार्जिंग में लगाते हैं, फिर उसके लिए अलग से प्रोडक्शन लेके लगाते हैं लोग, ठीक है। एक आती है बियर्डेड, जिसके ऊपर आप देखो फैब्रिक थ्रेड से वो पूरा का पूरा उन्होंने पैक कर रखा हुआ उसको, ताकि वो ख़राब ना हो, है ना। अब जैसे ये आप देखो, ये लॉजिटेक का है और एक सस्ता, इसकी वायर देखो मतलब ज़रा ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है ना। बट आप इसे अच्छे खींचने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वायर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक यूजर एक्सपीरियंस ये कहता है, जैसे इन्होंने नेक बैंड पहना हुआ है, मैंने नेक बैंड पहना हुआ है, या अगर हम लोग बर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो हम उन चीजों में उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं जितना का एक स्पीकर आप एक अच्छा होम थिएटर खरीद सकते हो। ये रियलिटी है, क्योंकि सीधी सी बात है इसके अंदर हम लोग बैटरी की भी कॉस्ट पे कर रहे हैं, इसके अंदर ब्लूटूथ कंपोनेंट का भी हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो इसके अंदर मॉड्यूल लगे हैं उसका भी हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं, प्लस जो सेंसर्स इसके अंदर है उसका भी कॉस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, एक पूरा होम थिएटर वाले सारे कंपोनेंट आ गए ना इसके अंदर। अगर आप उसको डिसमेंटल करके इसके कॉम्पोनेंट उठा के अगर आप स्पीकर में लगा दो जो कि आपका स्मार्ट नहीं है, तो स्मार्ट बन जाएगा। तो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर इतने सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हम लोग कॉस्ट पे कर रहे हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिसीवर्स जो दुनिया जान के इसके अंदर अवेलेबल, उसकी कॉस्ट आप पे कर लो। नेक्स्ट जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो ये एक्सेसिबल का हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे आप एटीएम मशीन पर गए, जिसको मैंने आपको बोला था कि एग्जांपल की MDUI मैन्यूडेबल यूजर इंटरफेस, भाई वहाँ पर आपने कार्ड इंसर्ट किया, उसके बाद में आपके पास कंट्रोल जाते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट हिंदी इंग्लिश, देन उसके बाद फिर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं लेफ्ट राइट के अंदर, है ना। या फिर जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अब जैसे सैमसंग ने क्या करा AI के साथ, अगर आप टीवी के ऊपर ऐड देख रहे होगे तो S24 अल्ट्रा का ऐड देखा आपने, उसमें क्या करा उन्होंने AI इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे मान लो आप किसी डिफरेंट कंट्री में हो, आपकी वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो, आपने जिस भी पर्सन को कॉल किया, आप यहाँ से जो मर्जी बोलो लैंग्वेज अपनी, उसके पास जाकर उसके हिसाब से उसकी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो उधर से बोलेगा वो उसके हिसाब से चलेगा और हमारे पास आके हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक जैसे मान लो कि आप किसी डिफरेंट कंट्री जाते हो और आपकी वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन सैमसंग ने इस चीज़ को अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड करा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो सैमसंग की नोट 3 हमेशा से फेमस रही, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग हमेशा से कर पाते। तो उन्होंने S24 अल्ट्रा का जो नया अपडेट निकाला उसमें यही फीचर डाला है कि आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ ATM का, ये हुआ यहाँ पर इम्पॉसिबल, जैसे कि आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, दूसरा जैसे यहाँ पर हमने देखा एक बार, ठीक है। तो ये क्या एक्सेसिबल, तो भी इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं और अगर आप इनको लेके चलना चाह रहे हो तो उन्होंने क्या बना दिया, कैरी पाउच बना दिया उसके लिए। तो जैसे हम मेल्स के लिए क्या होता है, ट्रिमर आता है, जब आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाते हो तो किसी अच्छे ब्रांड का अगर आप खरीदोगे जो 3,500 रुपये का होगा, 1,500 रुपये से ऊपर के रेंज में अगर आप जाते हो तो आपको ट्रैवल पाउच अलग से मिलता है,
ताकि आप सारे उसके अंदर अपने एक्सेसरीज डालो और मैं लेके आप मूव कर सकते हो इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब मेरे पास उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स है। अब आप या तो उसके लिए अलग से बॉक्स बनाओ अपना कस्टम उसके लिए, ठीक है, उस साइज का मिलेगा नहीं मिलेगा, या अगर मैं चार लोग उसको निकालूंगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। क्लास वाली कॉन्टिन्यू।